गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीए इंटर में इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट फोर क्लासेस ऑफ द चैप्टर में हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को डिस्कस कर लिया और उसके क्वेश्चंस बना लिए। दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक से और एक मेन बुक से। ये दोनों क्वेश्चन मैं जरूर 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 डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट आज की क्लास की शुरुआत में नहीं। आज मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, मैं आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। और क्लास के लास्ट के 10 मिनट में हम लोग जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के दो होमवर्क थे वो जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी आपका डाउट उस दो क्वेश्चन से रिलेटेड है मैं एकदम लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बट मैं चाहता हूं, क्योंकि हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशली वी मस्ट स्टार्ट विद अ टॉपिक जहां पर आपको कुछ समझने का, कुछ सोचने का टाइम मिले, एंड देन जो पुराना टॉपिक हो चुका है उसको हम लोग लास्ट में ले जाएंगे। सारे बच्चे मेरे साथ पॉइंट का नंबर दें, सारे बच्चे मेरे साथ पॉइंट का नंबर दें। हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कौन सा पॉइंट में पढ़ रहे थे, यहां आ जाता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 4, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो सारे बच्चे मेरे साथ पॉइंट नंबर 5 दें, पॉइंट नंबर 5, और हेडिंग डालें फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। मैं स्टार्ट करने से टॉपिक में आपको पहले ही बोल रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कुछ आपने आज से पहले कर नहीं रखा है अगर ये टॉपिक आपने बीकॉम में ना की हो तो। ऐसा जो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपने आज तक कभी कर नहीं रखा है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, साथ साथ बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे कर लेना, ये फॉर्मेट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग एक एक वर्ड जो भी लिखेंगे हम उनको डिस्कस करते चलेंगे, डिस्कशन के बीच में जो भी आपका डाउट आता जाएगा मैं सारे डाउट सॉल्व करते चलूंगा, और एक लेवल पर जाके हम लोग का टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि फिर हमें कोई स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा हम फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। डन, सुनिएगा मेरा बात। इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक दूसरा नाम भी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक दूसरा नाम भी है, आप लिखेंगे मेरे साथ, कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। नाम से ही किसी चीज के कंसीक्वेंस, किसी चीज के कंसीक्वेंस या किसी इवेंट के कंसीक्वेंस के कारण होने वाले नुकसान को कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का यह दूसरा नाम है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल बात समझाऊंगा, आपको एक मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि यह पॉलिसी आपको किस टाइप के नुकसान से बचाएगी और किस टाइप का नुकसान का आपको क्लेम इस पॉलिसी के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। मान लो हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2019-20। अगर 2019-20 की बात करूं तो वो शुरू होता है 1/4/2019 से और वो खत्म होगा 31 मार्च 2020। डन, हमारे इस टेन्योर का एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लिया था एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लिया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं और नुकसान होने से वो हमें उसका भुगतान करेगी। 1 जून 2019 को हमारी गोडाउन में, प्रीमाइसेस में, फैक्ट्री में आग लगी, आग लगी तो लपटे उठी और आग में बहुत कुछ जल गया, जैसे स्टॉक था हमारे पास प्रीमाइसेस में जल गया। अब इस स्टॉक का कितना नुकसान हुआ और उसका क्लेम कितना मांगना है ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट 4 क्लास में पढ़ा दिया है। कुछ मशीनरीज वगैरह थी उनके, वो भी आग लग गया, उनमें भी आग लग गया, उनके लिए भी हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है इंश्योरेंस कंपनी से। सर मशीनरी वगैरह का क्लेम कैसे करेंगे वो तो आपने सिखाया नहीं, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। उस मशीनरी की वैल्यूएशन होती है, वो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको मशीनरी का क्लेम किया जाएगा।
ठीक है, जितना लॉस हुआ उसका इवैल्यूएशन होगा, उसके हिसाब से मिलेगा। आपके बुक वैल्यू को बेस बनाया जाएगा, मशीन की कॉस्ट को बेस बनाया जाएगा, मशीन की आज के दिन कंडीशन और मार्केट प्राइस को बेस बनाकर उससे इवैल्यूएशन किया जाएगा, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मान लो 1/6/19 को आग लगी हमारे गोडाउन में, प्रेमाइसेज में आग लगी, स्टॉक जला, स्टॉक का कितना नुकसान हुआ, क्लेम कितना मांगना है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, डन है बात। अब ये आग लगने के बाद जो हमारे प्रेमाइसेज में आग लगी, इसके बाद ना कुछ पीरियड तक हमारा बिजनेस जिस नॉर्मल पेस में चल रहा था बिफोर फायर, उस नॉर्मल पेस में नहीं चल पाएगा। आप ये मानते हो, हां या ना? हां या ना? मैं एकदम सिंपल बात बोलता हूं। मान लो ये मेरा क्लासरूम है एमजी रोड वाला, यहां पर कोई कारण मान लो अनहोनी घटना हो जाए, आग लग जाए, और आग लगने के बाद जो नुकसान हुआ वो नुकसान तो हो गया, खत्म। आग लगने के कारण जो होना था हो गया। अब आग लगने के बाद क्या मैं उसी तरीके से जितने बच्चे मेरे आके पढ़ते थे, जिस तरीके से रोज आके पढ़ते थे, क्या मैं उनको बैठा पाऊंगा कि मेरे को इस जगह का पहले सब कुछ ठीक करवाना होगा, इस जगह को वापस सब कुछ सही करा के, रिपेयर वगैरह करा के, कलर वगैरह करा के, फर्नीचर लाके रेडी करना होगा, और उसके बाद मैं काम अपना नॉर्मल पेस में शुरू कर पाऊंगा? सर, नॉर्मल पेस में आते आते टाइम लगेगा। सर, ऐसा क्यों नहीं करते हो, कोई और जगह सेंटर ले लो। अरे, कोई और जगह सेंटर जरूर लूंगा मैं बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, उनको पढ़ाना है। बिजनेस बंद नहीं कर सकता मैं, बिजनेस चालू रखना है। मैंने पास में एक छोटी सी जगह ले ली, बट वो जगह में जैसा ऑपरेशन होगा और इस जगह में मैं जैसे क्लास चलाता हूं, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में आने के लिए मेरे को टाइम लगेगा। तो ये आग लगने की कंसीक्वेंस के कारण क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स मतलब 1/6 से लेकर 1/9/2019 तक हमारा जो बिजनेस है ना, वो डिस्टर्ब रहा। मतलब जो ऑपरेशंस, जो कामकाज हम लोग पहले करते थे, उस लेवल पे हम लोग अभी कामकाज नहीं कर पाएंगे। इस पीरियड को पता है हम लोग क्या नाम देंगे? इस पीरियड को हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? डिसलोकेशन पीरियड। और ये डिसलोकेशन पीरियड में, क्योंकि कामकाज हमारे यहां कम होगा, नॉर्मल पेस से हमारे ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, हमें नुकसान होगा। क्या चीज का नुकसान होगा? हमें प्रॉफिट का नुकसान होगा। जो हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में बिजनेस चला के कमाते थे, वो अब इस 3 महीना में बिजनेस में डिस्टर्बेंस होने के कारण हम कमा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिजनेस बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है हम लोग टेंपरेरी कहीं शिफ्ट होके अपना बिजनेस कंटिन्यू करें, बट जिस स्मूथनेस से बिजनेस पहले कैरी ऑन होता था, उस स्मूथनेस से कैरी ऑन नहीं हो पाएगा। तो इस डिसलोकेशन पीरियड के समय हमें कुछ नुकसान होगा। क्या चीज का? प्रॉफिट का नुकसान होगा, ड्यू टू डिस्टरबेंस इन बिजनेस। और पता है, इसी प्रॉफिट का जो नुकसान आपको हुआ है ना, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करेगी, और वो भुगतान जो करेगी वो किस पॉलिसी के अंतर्गत करेगी? वो करेगी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंतर्गत। यहां पे हम लोग यही पढ़ना सीखेंगे कि ये जो 3 महीना बिजनेस डिस्टर्ब रहा, इसमें हमें कितना नुकसान हुआ। अगर हम नॉर्मल तरीके से बिजनेस चलाते तो क्या होता, डिस्टर्बेंस में बिजनेस चलाए तो क्या हुआ, ये जो मेरा डिफरेंस है, यहां जो मेरे प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम देगी। और इसी को हम लोगों को कंप्यूट करना और इसका क्लेम का कैलकुलेशन करना इस टॉपिक में सीखने का है। सर, मान लो अगर ऐसा हुआ, मान लो आग लग गई, जो स्टॉक का मिलना था वो मिल गया, अब तो सर बिजनेसमैन बोलेगा 3 महीने क्यों, 6 महीने तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब्ड है, 9 महीने तक डिस्टर्ब्ड है। सर, वो तो बोलते ही जाएगा बिजनेस डिस्टर्ब्ड है, जैसा सोचे थे वैसा हो नहीं रहा है, जितना प्रॉफिट सोचे थे उतना कमा नहीं पा रहे। तो सर, क्या इस पॉलिसी का जो आपको क्लेम मिलेगा, सर क्या वो 6 महीने 9 महीने 12 महीने आगे तक मिलता ही जाएगा? आंसर इज नो। हम लोग जब ये पॉलिसी लेते हैं, हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को एक इंडेमनिटी पीरियड सेट करना पड़ता है। इंडेमनिटी पीरियड यानी कितने पीरियड तक इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस का भुगतान करेगी। इंडेमनिटी पीरियड से ज्यादा का क्लेम तो हम कर ही नहीं सकते, चाहे तुम्हारा बिजनेस वापस खड़ा ही नहीं हो क्यों पा रहा है। आपका बिजनेस अगर फ्यूचर में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है तो भी इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम मैक्सिमम क्लेम उतने ही पीरियड तक का देंगे जितना पीरियड आपने इंडेमनिफाई अपने आप को करवाया है। जितना हाई पीरियड के लिए इंडेमनिफाई कराओगे,
प्रीमियम ज्यादा लगेगा। जितना कम पीरियड के लिए इंडेमनीफाई कराओगे प्रीमियम कम लगेगा। मैक्सिमम 12 महीने तक का इंडेमनीफिकेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी देता है, उसके अंदर आप कोई भी पीरियड चूज करके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। तो ये जो डिसलोकेशन पीरियड है ना, ये इनफाइनाइट या ये चीरकाल तक चलता हुआ नहीं रहेगा। मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में लिया है, उतने पीरियड का जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा क्लेम आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर डिसलोकेशन पीरियड उससे छोटा है तो जितना डिसलोकेशन उतना क्लेम, अगर डिसलोकेशन पीरियड उससे बड़ा भी है तो भी इंडेमनिटी पीरियड से ज्यादा क्लेम आपको कभी नहीं मिलेगा। हम लोगों को कैलकुलेशन करना सीखना है, इस 3 महीने में जो हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा उसके कारण हमें कितना नुकसान हुआ प्रॉफिट का, और उस नुकसान पर हम कितना क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम लोगों को वो सीखना है। पहले सारे बच्चे एक बार बताएं, कि हम लोगों को क्या करना है इस चैप्टर में, वो आपको क्लियर हुआ? विनीत बोल रहा है बेस्ट एग्जाम्पल अनलॉक फेज आफ्टर कोविड इन लास्ट ईयर। विनीत आप ये बोल सकते हो, बट आपको मैं ये बात वापस बोल रहा हूं, ये कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है। कंसीक्वेंशियल लॉस, किसी अनसर्टेन इवेंट होने के बाद जो आपने पॉलिसी में कवर कराया, मान लो आपने स्टॉक की लॉस पॉलिसी ले रखी है फायर के लिए, फायर होने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट का नुकसान हुआ तब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी काम करेगा। ये जो कोविड के सिचुएशन में नुकसान हुआ इसके लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी काम नहीं करेगा। आप ध्यान रखिएगा ये बात, हर चीज के लिए आप अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हो बिजनेस के लिए। चलो इंश्योरेंस करा लेते हैं, प्रॉफिट कम होगा तो पैसा मांग लेंगे, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अनसर्टेन इवेंट लाइक फायर, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट, ये सब कुछ बिजनेस में हो गया है जिसके लिए ऑलरेडी आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके साथ ही आप एडेड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी लोगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी हमेशा सेकेंडरी पॉलिसी की तरह काम करता है। आपने अगर कोई अपना एसेट इंश्योर नहीं करवा रखा है विद दैट इवेंट और आप बोलते हो मेरे को प्रॉफिट का क्लेम दो, वो इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं देगा। आपने स्टॉक, फिक्स्ड एसेट वगैरह कुछ भी इंश्योरेंस कराया फायर इंश्योरेंस से, उसके बाद जो आपका लॉस हुआ उसके लिए आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी ले रखी है, तभी आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्लेम मिलेगा जब मेन पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे। अगर मेन पॉलिसी में ये प्रूव हो जाए कि ये जो आग लगी ये आपके कारण लगी है, ये नेचुरल कॉज से नहीं लगी है, तो फिर आपको उसमें भी क्लेम नहीं मिलेगा, इसमें भी क्लेम नहीं मिलेगा। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट अनसर्टेन इवेंट होने के कारण होने वाला लॉस होना चाहिए, ये कोविड के कारण होने वाला लॉस यहां पर कवर्ड नहीं होगा। इंडेमनिटी मतलब होता है जब जितना पीरियड तक इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को सहेगा, इंडेमनिफाई करना मतलब लॉस के लिए भुगतान करना। यश पूछ रहा है भैया अगर इंश्योरेंस पॉलिसी इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पर, लॉस ऑफ प्रॉफिट पर क्लेम क्यों देगा? यहां मैं क्या बोल रहा हूं, यह कंसिक्वेंशियल लॉस है। इंडेमनिटी वर्ड का मतलब होता है जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो यहां पे हमारे प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। आग लगने के कारण बिजनेस सही से नहीं चला, उस पीरियड में जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो भी तो मैं कमाता, वो अब नहीं कमा पा रहा हूं, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंडेमनिफाई कर रहा है। इंडेमनिफाई जब करेगा तुमको कुछ नुकसान हो रहा है उससे तुमको बचाएगा, तो मेरे को अभी प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है जिससे इंश्योरेंस कंपनी हमको सेव करेगा। शिवम पूछ रहा है क्या सर सेम कंपनी से करवाना होगा? प्रेफरेबली सेम कंपनी से ही हम लोग करवाते हैं ताकि दोनों पॉलिसी का मिलाकर जो प्रीमियम है वो कुछ कम हो सके। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आप चाहो तो अलग पॉलिसी भी ले सकते हो, या आप चाहो तो मेन पॉलिसी के साथ एक क्लॉज जुड़वा सकते हो लॉस ऑफ प्रॉफिट का, कि आग लगेगी स्टॉक जलेगा तो आप क्लेम दोगे ही, इसके साथ साथ मैंने एक क्लॉज ऐड करवा दिया अगर उसके बाद कुछ पीरियड तक बिजनेस में डिस्टर्बेंस रहा तो उस पीरियड का प्रॉफिट भी आप हमारा कवर कीजिए। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी दो जगह ली जा सकती है, आप चाहो तो अलग से एज अ न्यू पॉलिसी निकलवा लो, आप चाहो तो उसी मेन पॉलिसी के क्लॉज में ऐड करवा लो। बट इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम तभी मिलेगा जब आपको मेन पॉलिसी में क्लेम मिला हो। अगर मेन पॉलिसी में क्लेम मना कर दिया गया है बिकॉज वो फायर नेचुरल कॉज से नहीं लगी, आपने लगवाई, या ऐसा कोई रीजन, तो फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में आपको क्लेम नहीं मिलेगा।
हर्ष दोनों पॉलिसी का मिक्स सम आता है वो हम लोग कल की क्लास के हाफ के बाद करेंगे, अभी पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट प्रैक्टिस करेंगे फिर दोनों के मिक्स भी प्रैक्टिस करेंगे। वो 15 मार्क का सम होता है, आने का चांस कम है बट आ सकता है। पहले बताओ सारे बच्चों क्लियर है क्या कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले यह पता होना चाहिए इस पॉलिसी में हम लोग क्या टाइप का लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आगे चालू कर सकता हूं बात को। सबको क्लियर है क्या? अगर आप एक ही पॉलिसी लेते हो तो एक ही बार में दोनों का प्रीमियम दे दो, दो पॉलिसी लेते हो तो दो अलग अलग प्रीमियम देना होगा सिद्धार्थ। ये सब जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे काम नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग प्रीमियम का अकाउंटिंग करते नहीं है, हमें तो सिर्फ लॉस और क्लेम कैलकुलेट करना है। डन। अब सुनना मेरा बात ध्यान से सुनना भैया, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ बिजनेस में जिसको हम लोग डिसलोकेशन पीरियड बोल रहे हैं, इस समय जो हमें नुकसान होगा प्रॉफिट का वो कवर किया जाएगा। आप हमें बताओ ना ब्रॉडली इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या कवर करेगा, ब्रॉडली इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या कवर करेगा? ब्रॉडली इंश्योरेंस कंपनी दो चीज कवर करेगा, मैं लिख रहा हूं आपको लिखना नहीं है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स, दो चीज कवर करेगा। नंबर वन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, चलो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल से क्या समझ में आता है? सर सेल कम हुई, सर बिजनेस डिस्टर्ब था ना तो सेल वैसा नहीं हो पाया जैसा उस पीरियड में होना चाहिए था, तो सर हमारी सेल कुछ कम हुई। अगर सेल कम हुई तो सेल पे जो हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाते वो हम कमा नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले वो कवर करेगा लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, जो सेल कम हुआ उसमें जो तुमको नुकसान हुआ प्रॉफिट का वो कवर करेगा। एंड नंबर टू कवर करेगा एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर टू कैरी ऑन द बिजनेस ड्यूरिंग दैट टाइम, टू कैरी ऑन द बिजनेस ड्यूरिंग दैट टाइम, एडिशनल एक्सपेंडिचर टू कैरी ऑन द बिजनेस ड्यूरिंग दैट टाइम। बिजनेस डिस्टर्ब था, प्रेमाइसेस जल गई थी, बट हम बिजनेस को रोक नहीं सकते, हमारे पास ऑर्डर्स थे जिनको टाइमली सर्व करना था, हमने टेम्पोररी एक नई प्रेमाइसेस भाड़े पर ली, जब तक ये प्रेमाइसेस रेनोवेट हो रही है हम वो प्रेमाइसेस भाड़े पर लिए और भाड़े पर लेके हमने उसमें काम चालू किया, तो बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए इस डिस्टर्बेंस में कुछ एडिशनल खर्चे इनकर करने पड़े, इस एडिशनल खर्चे का भी भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो जब मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करता हूं, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी दो लॉसेस कवर करेंगी, दो लॉसेस। पहला लॉस कवर होगा जो उस पीरियड में सेल्स कम हुआ, उस सेल्स पर जो आप ग्रॉस प्रॉफिट कमा पाते उस ग्रॉस प्रॉफिट का भुगतान करेगी। नंबर टू, नंबर टू वो भुगतान करेगी एडिशनल एक्सपेंडिचर का जो उस समय बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको खर्च करना पड़ा, उन खर्चों को भी कवर किया जाएगा। ये दो चीजें हमें कवर मिलेगी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर। और पता है हम लोग सम्स कैसे करेंगे? हम लोग सम्स चार स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप हम लोग ये निकालेंगे कितना शॉर्ट सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ। दूसरा स्टेप हम लोग एडिशनल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर किया टू कंटिन्यू द बिजनेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। तीसरा इन दोनों को टोटल करके लॉस कैलकुलेट करेंगे, टोटल लॉस हमें कितना हुआ। और चौथा क्लेम कंप्यूट करेंगे, उस लॉस पर कितना क्लेम मिलेगा। ये लास्ट दो स्टेप तो वहां पर भी सिखाया था, लॉस कैलकुलेट करना और क्लेम कैलकुलेट करना। ये दो स्टेप कांस्टेंट रहेगा, कैलकुलेशन बदलेगा बट ये दो स्टेप रहेगा, लॉस और क्लेम। अब लॉस को निकालने के लिए मेरे को दो चीज निकालना पड़ेगा, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स एंड नंबर टू एडिशनल एक्सपेंडिचर टू कंटिन्यू द बिजनेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये दोनों निकाल के मैं ऐड करूंगा, लॉस निकल जाएगा। लॉस के बाद मैं चेक करूंगा एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं और मैं क्लेम कैलकुलेट करूंगा। अभी कुछ मत पूछना क्या चीज कैसे निकलेगा, मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ तुमको टॉपिक के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। डन। सर इंश्योरेंस कंपनी लॉस में नहीं जाती कभी, शैलिनी लॉस में जाती है। अगर कभी देखो ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी का रूल यही है, हजारों से लो
प्रीमियम हजारे से लो, लॉस तो अनसर्टेन इवेंट पर 10 जन को होगा, तो 10 जन को क्लेम देके जो बचा वो हमारा प्रॉफिट, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे, उससे जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो सब आएगा। ऐसा नहीं है, लॉस में नहीं जाती, वो डिपेंड करता है कितने लोगों को क्लेम देना पड़ा, कितना देना पड़ा, कितनी अनसर्टेनिटीज अराइज हुई, वो सब पे डिपेंड करता है। पहले ग्रुप टू में इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपके सिलेबस में थे, अब वो हटा दिया गया है। अदरवाइज मैं आपको सिखाता कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करती है, वो सब छोड़ दो एक बार। डन, क्या यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर है? क्या यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर है? क्या अगर यहां तक क्लियर है तो मैं अपना फर्स्ट पार्ट, अभी मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करूंगा। किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, मैं स्टार्ट कर सकता हूं क्या आगे? अभी लिखवाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा तुम्हारे दिमाग में चीजों को इंटर करने दूं, फिर एक बार तुम्हारा मन शांत हो जाए कि हां ठीक है इतना तक बात क्लियर है, फिर मैं तुमको लिखवाऊंगा। चलिए, हम लोगों को सीखना है हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। ये कैसे निकलेगा सर? बिल्कुल सिंपल, हमें सबसे पहले निकालना है शॉर्ट सेल्स कितना हुआ। शॉर्ट सेल्स का मतलब डिसलोकेशन पीरियड में डिस्टरबेंस के कारण सेल्स कम हुआ, सेल्स कितना कम हुआ उस पीरियड का वो बताओ, ये हो गया शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मेरे को मिल जाएगा जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। सेल्स कम हुआ, सेल्स कम होने के कारण हमारा जो प्रॉफिट आता वो प्रॉफिट नहीं मिला, वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मेरे को जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स अगर निकालना है तो मेरे को दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल, एक शॉर्ट सेल्स यानी कितना कम सेल्स हुआ, कितना सेल्स का नुकसान हुआ, नंबर टू उसके ऊपर हम कितना जीपी कमाते। तो शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई जीपी मार्जिन इक्वल टू जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। अब शॉर्ट सेल्स क्या होता है, शॉर्ट सेल्स क्या होता है, शॉर्ट सेल्स का मतलब जो डिसलोकेशन पीरियड है, डिसलोकेशन पीरियड, हमारा जो डिसलोकेशन पीरियड है जब बिजनेस में डिस्टरबेंस था उस समय का एस्टिमेटेड सेल्स क्या था। एक एस्टिमेट करेंगे कि अगर बिजनेस में डिस्टरबेंस नहीं होता, ये डिसलोकेशन नहीं होता, ये अनहोनी नहीं होता, तो हम उस पीरियड में कितना सेल्स कर पाते, माइनस माइनस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, माइनस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, माइनस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड। ये एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चल जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरा मतलब है क्वेश्चन आपको बता देगा कि इस पीरियड में एक्चुअली इतना सेल्स हुआ। इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही आपको बता देगा कि उस पीरियड में हमने कितना सेल्स किया। बट सबसे मेन काम है हम लोगों को कैलकुलेट करना कि उस पीरियड में हम कितना सेल्स कर पाते अगर बिजनेस में डिसलोकेशन या डिस्टरबेंस नहीं आता। और ये एस्टिमेशन मेरे बच्चे जजमेंट, जजमेंट एक्सपीरियंस, जजमेंट एक्सपीरियंस एस्टिमेशंस को यूज करके हमें निकालना सीखना होगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बताएगा नहीं, इसको आपका अपना ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एस्टिमेशंस आपको एस्टिमेट करके कैलकुलेट करना होगा यार उस पीरियड में कितना सेल हो पाता, मैंने कितना किया तो जो डिफरेंस बचा है वो मेरा शॉर्ट सेल्स है, वो कम सेल्स हुआ जो मैं चाहता था होना चाहिए था बट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, और ये जो सेल्स कम हुआ है इसके कारण मैं ग्रॉस प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मैं अर्न नहीं कर पाया इसी का मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना है। मैं एकदम एक एक करके अंदर जा रहा हूं धीरे धीरे। हां, सबसे पहले डिसलोकेशन पीरियड में सेल्स कम हुआ, सेल्स कम हुआ तो उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं कितना सेल्स कम हुआ, सेल्स कम निकालू कैसे, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ दैट पीरियड, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द डिसलोकेशन पीरियड माइनस एक्चुअल सेल्स ऑफ द डिसलोकेशन पीरियड विल गिव मी शॉर्ट सेल्स। अब क्वेश्चन अराइजेस, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं वो खुद सोच के बताएं कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, खुद सोच के बताना, एकदम दिमाग लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे एस्टिमेशन करूंगा, तुम गलत होगे तो मैं तुमको सही करूंगा। इधर आओ, ये तीन महीना
सब बच्चों को एकदम जूम्ड इन दिख रहा है, एकदम जूम्ड इन। 1/6 से 1/9 ये 3 महीना मेरा बिजनेस फायर के बाद डिस्टर्ब्ड रहा। मेरे को इस पीरियड का शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करना है। मान लो क्वेश्चन बता दिया, आप बुक्स ऑफ अकाउंट से भी पता कर सकते हो, इस पीरियड का एक्चुअल सेल्स मैं नीचे लिखता हूं, इस पीरियड का एक्चुअल सेल्स ₹1 लाख। ये आपको क्वेश्चन बताएगा या आप बुक्स ऑफ अकाउंट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है ये। उस समय जो सेल्स हुआ सबका एंट्री कर लो, आपको पता चल जाएगा टोटल सेल्स कितना हुआ 3 महीने का। अब मेरे को निकालना है इस 3 महीने में अगर डिस्टर्बेंस ना होता तो सेल्स कितना हो सकता था। कोई बच्चा मेरे को हेल्प करेगा कि ये मैं कैसे एस्टिमेट कर सकता हूं? कोई बच्चा मेरे को हेल्प करेगा क्या कि मैं ये कैसे एस्टिमेट कर सकता हूं कि इस 3 महीने का सेल्स कितना हो सकता था? ओमकार एक बहुत अच्छा बात बोला। ओमकार बोला, सर लास्ट पीरियड के सेल्स को बेस लेकर एस्टिमेट कर सकते हैं। पूजा बोल रही है लास्ट ईयर के बेसिस में। मेरे को थोड़ा सा ना, ये 1920 चल रहा है। ओमकार, पूजा, शुभांशु, आप लोग सब लोग बोल रहे हो ओमकार, पूजा, शुभांशु, आप लोग प्लीज मेरे को एक पीरियड बता सकते हो जिसके बेसिस पे ये एस्टिमेशन करना चाहिए। सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं लास्ट ईयर के सेल्स के बेसिस पे, लास्ट 3 मंथ्स के सेल्स के बेसिस पे, वो पीरियड बताओ ना, किस पीरियड के सेल्स को बेस लेकर मैं कैलकुलेट करूं कि इस पीरियड का सेल्स कितना हो सकता था। प्लीज आप पीरियड के बेसिस पे बताओ ना। गुड गुड, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगाओगे उतना लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, तुमको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। विनीत बोल रहा है एवरेज सेल्स ऑफ लास्ट कुछ ईयर, ठीक है लास्ट कुछ ईयर का एवरेज सेल्स ले लेंगे, फिर उसको क्या विनीत ∗3/12 कर दू, 3 महीने का डिसलोकेशन है ∗3/12। ओके झिलमिल, झिलमिल 2019 आप बोल रहे हो, प्लीज प्लीज झिलमिल, ये मेरा ईयर 1920 है। आप अपने आप को करेक्ट करो ना, आप 1920 बोल रहे हो कि 1819 बोल रहे हो कि 2021 बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो आप? अप्रैल से सितंबर लास्ट ईयर। पूजा बोल रही है 1/4 से 1/6। प्रतीक बोला 1/6/18 से 1/9/18। और यही चीज इशिका भी बोल रही थी, लास्ट ईयर सेल्स इन दैट थ्री मंथ्स। वेरी गुड बच्चों, आपने दिमाग लगाया, आप लोग बिल्कुल पैट ऑन दी पॉइंट जा रहे हो कि हमें एस्टिमेट करना है इस 3 महीने का कितना, तो हम किस किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखो मैं सम अप कर रहा हूं। कुछ बच्चे बोले लास्ट ईयर का सेल्स 18-19 का जो टोटल सेल्स है ∗3/12, ठीक उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट कर लो। कुछ बच्चे बोले सर जो 1/6/18 से 1/9/18 है ना, इसी पीरियड का बिल्कुल लास्ट ईयर, उस पीरियड का सेल्स के बेसिस पे आप इस 3 महीने के पीरियड को जज कर सकते हो। तीसरा बच्चा बोला सर 1/4 से 1/6 जो आग लगने से बिल्कुल 2 महीना पहले आपने इस साल ऑपरेशन किया है, वो 2 महीने का जो सेल्स है ना उसके बेसिस पे निकाल लो। 2 महीने का सेल्स मान लो 5 लाख, तो 3 महीने आगे का सेल्स कितना होना चाहिए था सर, आप वैसे निकाल लो। वेरी गुड। तो सब बच्चों ने अपना अपना एक बात बोला। अब सुनना मेरा बात, क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एक्चुअली। तो देखो इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरीके से एस्टीमेशन बोलेगा, हमें वैसे ही करना चाहिए। बट एग्जाम में, क्वेश्चंस में एक सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है इंस्टीट्यूट, बोल रहा है आपको ये 3 महीने का सेल्स कैलकुलेट करना है ना, आप एक काम करो, मैं ये मिटा रहा हूं, हाँ बच्चों आप एक काम करो, तुम लोग को नहीं इंस्टीट्यूट बोल रहा है हम लोगों को, आप एक काम करो, इसी साल से पहले वाले साल का यानी 1/4/18 से 31/19 का जो पीरियड है उसका एग्जैक्टली सेम पीरियड यानी 1/6/18 से 1/9/18
1618 से 1918 इस पीरियड का सेल्स चेक करो, इस पीरियड का सेल्स चेक करो और इसके हिसाब से एस्टिमेट करो करंट ईयर का तीन महीने का, उस तीन महीने का सेल कितना होना चाहिए था। मैंने बोला अगर हम लोग ये करेंगे तो जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं लास्ट ईयर पूरा साल इंटू 3/12, इस साल का शुरू का दो महीने के हिसाब से एस्टिमेट कर लो, फिर वो क्या सही नहीं है? बोले सही गलत कुछ नहीं होता है एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा बिजनेस में सीजनल चेंजेस या सीजनल इफेक्ट होता है सेल्स पर। बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं, मान लो ना छाता का बिजनेस, अम्ब्रेला। अब कैलकाटा में तो अम्ब्रेला गर्मी में भी बिकता है और बरसात में भी बिकता है, बट नॉर्मली अम्ब्रेला का सीजन बरसात का सीजन होता है। तो अम्ब्रेला बिजनेस करने वाले जब अपना माल बेचेंगे तो आप देखोगे बरसात के जब सीजन चालू होने वाला है उससे एक महीना पहले से लेकर बरसात जब खत्म होने वाला है उसके एक महीना तक नॉर्मल उनके छत्ते अच्छे बिकते हैं, और उसके बाद पूरे साल भर में छत्ते उस हिसाब से बिके जरूरी नहीं है। तो ICAI ने बोला या इंश्योरेंस पॉलिसी में बोला जाता है कि आपको हम लोग लास्ट ईयर के सेम पीरियड का सेल्स इसीलिए बेस बनाने को बोल रहे हैं ताकि अगर उस सेल्स में कोई सीजनल इफेक्ट है तो वो सीजनल इफेक्ट आपको इस पीरियड की भी सेल्स में मिल जाए इफेक्ट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप पूरे साल भर का इंटू 3/12 करोगे हो सकता है उस तीन महीने भी आपकी सेल्स बहुत जोरदार होती है बट आपका सेल्स का एस्टीमेट कम आ जाएगा अगर आप पूरे साल को बेस बनाओगे, या फिर उस पीरियड में आपकी सेल्स बहुत ही कम होती है बट अगर पूरे साल का सेल्स का एस्टीमेट बनाओगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए बोला गया कि अगर आपको इन तीन मंथ का सेल्स कैलकुलेट करना है, इन तीन मंथ का सेल्स कैलकुलेट करना है तो आप लास्ट ईयर के सेम पीरियड के सेल्स को बेस बनाकर कैलकुलेशन करो। अभी मैंने ये नहीं बोला लास्ट ईयर का तीन महीने का जो सेल्स है वो भी इस साल का तीन, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला उसको बेस बना के आप अपना कैलकुलेशन करो। तो जो इशिका बोल रही थी जो अपना प्रतीक बोल रहा था वो वाला बात बिल्कुल सही था कि इस पीरियड की सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग लास्ट ईयर के सेम पीरियड के सेल्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट से खोल के, इस पीरियड की सेल्स के एस्टिमेशन में बेस बनाएंगे। पता है इस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेल्स को मैं एक नाम दे रहा हूं, आपको नाम याद रखना है, स्टैंडर्ड टर्नओवर। बच्चे आप लोग चैट में लिखना बंद करें बिल्कुल सब कुछ, मैं जब कुछ बोल रहा हूं सुने, मैं डाउट लिखने का और डाउट पूछने का टाइम दूंगा। आप लोग एक बार सब कुछ बंद कर दो, मोबाइल फोन को सामने रख दो जब तक मैं ना बोलूं, मेरा बोला हुआ बात छूट जाएगा ना तो वो डाउट बेकार हो जाएगा तुम्हारा। डन। हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों को कैलकुलेट करना है जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल का मतलब डिसलोकेशन होने के कारण जो तीन महीना था 1 जून से लेकर 1 सितंबर हमारा पीरियड डिस्टर्ब्ड रहा, डिस्टर्बेंस के कारण कितना सेल्स कम हमने अचीव किया, वो जो सेल्स कम अचीव किया उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स निकल जाएगा। अब ये शॉर्ट सेल्स मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैंने बोला इसको हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, इसमें हमें जजमेंट यूज करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, हमें उस तीन पीरियड का सेल्स निकालने के लिए उसी पीरियड का लास्ट ईयर में क्या सेल्स हुआ था उसको बेस बनाना है और उस सेल्स को हम लोग नाम देंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर। हम लोग स्टैंडर्ड टर्नओवर को बेस बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशंस करके हम लोग इस साल का इस पीरियड का तीन महीने का एस्टिमेटेड सेल्स निकालेंगे, उसको एक्चुअल सेल्स से कन्वर्ट कंपेयर करेंगे, एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी सेल्स का नुकसान हुआ और वही हमारी शॉर्ट सेल्स है। अब मैं आपके डाउट देखता हूं। वेरी गुड यश, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि अगर अपने एवरेज लेते हैं पूरे साल भर का तो अगर वो पीक पीरियड होगा तो हमारा सेल्स जो होना चाहिए था उससे कम एवरेज आएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा, लॉस। भैया मान लीजिए लास्ट ईयर का सेल कम हुआ, ये बहुत ज्यादा हुआ,
लेकिन अक्यूरेट इंफॉर्मेशन थोड़ी देगा खुशी, यही मैं बोल रहा हूं, जजमेंट एक्सपीरियंस एस्टिमेशन, और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही, जो अकाउंट्स का लिमिटेशन है एज बच्चा लोग आर सेइंग। हमें तो पता ही नहीं ना उस पीरियड कितना हो सकता है, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है, डिसलोकेशन नहीं होता तो कितना होता, डिसलोकेशन नहीं होता तो कितना होता, ये तो हम कर नहीं सकते। हमें तो बेस्ड ऑन जजमेंट एक सेल्स तक पहुंचना होगा, इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, कम आया तो कम सही, ज्यादा आया तो ज्यादा सही, पहले से सब कुछ लिखा रहता है। बट हमारे क्वेश्चन में तो सब बताएगा नहीं, हमें तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी, हम लोग ये फॉलो करेंगे। साहिल, अगर आपके बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट आया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को उसके बारे में बताना है, इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिट एस्टिमेट करके आपसे प्रीमियम लेगी पहले, और फिर आग लगा तो आपको क्लेम मिलेगा। आपको इंश्योरेंस कंपनी को सारा डिस्क्लोजर करना है, उसी के बाद आपको क्लेम मिलेगा। मैं बताऊंगा इंप्रूवमेंट आया तो उसका क्या करेंगे, 5 मिनट वेट करो, सब आ जाएगा। पहले बताओ इतना दूर तक आपको क्लियर है क्या, इतना दूर तक आपको क्लियर है क्या, सारे बच्चे एक बार बताओ यस और नो। मैंने बोला टॉपिक टेक्निकल है, एस्टिमेशन है, टॉपिक में बहुत मजेदार है, आप लोग अगर डाउट्स पहले ले आएंगे तो मैं समझाने से पहले ही आपका माथा इधर उधर घूमने लगा, समझाने दो, जब तक आगे तक जाऊंगा सारा डाउट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है सर, स्टैंडर्ड टर्नओवर समझ में आ गया, एक्चुअल टर्नओवर समझ में आ गया सर, अब हम लोग को शॉर्ट सेल्स निकालना है। अब मेरा बात सुनना, जरूरी थोड़ी है सर कि लास्ट ईयर जो 3 महीना में सेल्स हुआ था, उस 3 महीना में जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड है, उतना ही इस साल हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सेल्स अच्छा होता, हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सेल्स खराब होता, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में ट्रेंड एडजस्टमेंट, ट्रेंड एडजस्टमेंट, ट्रेंड एडजस्टमेंट। जरूरी थोड़ी है जो लास्ट ईयर 3 महीना में सेल्स हुआ उतना ही सेल्स इस महीना होगा, हो सकता है सर हमारे यहां इंप्रूवमेंट हुआ हो, हमें यहां पे अच्छा नया ऑर्डर मिला हो और हमें लगता है इस साल का सेल्स बढ़ना चाहिए। ये जो भी होगा नहीं होगा, आपने क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय यह सारा चीज बताया था, अगर बताया था तो इंश्योरेंस पॉलिसी ने जरूर, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी ने जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी में इसका बयान किया होगा, और इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रेंड के एडजस्टमेंट का, ट्रेंड के एडजस्टमेंट का परसेंटेज या कैलकुलेशन ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, जिसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा कि उस स्टैंडर्ड टर्नओवर से इस 3 महीने का एस्टिमेटेड सेल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोग लिख देंगे, जब हमसे एजेंट आया पॉलिसी लेने के लिए, हमने बोला कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा इस साल सेल्स 10% बढ़ेगा, तो आप उसी के हिसाब से पॉलिसी अमाउंट और मेरा प्रीमियम सेट कीजिएगा। तो उसने बोला ठीक है, आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% इस बार हम लोग सेल्स का ट्रेंड अप मान रहे हैं और उसी हिसाब से सारा काम होगा। ये जो ट्रेंड एडजस्टमेंट है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको इसके कैलकुलेशन का बेसिस मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग लास्ट ईयर और करेंट ईयर की जो सेल्स का डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेंड एडजस्टमेंट। क्वेश्चन बहुत बार खुद बता देता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर का सेल्स बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है, 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, 15% इंक्रीज, वो ऑलरेडी क्वेश्चन बताएगा। अगर आपको क्वेश्चन ट्रेंड बता दे तो देखो, देखो कैसे निकालूंगा मैं, देखो कैसे निकालूंगा, इधर देखो, एस्टिमेटेड सेल्स में कैसे कंप्यूट करूंगा, देख एस्टिमेटेड सेल्स में कैसे कंप्यूट करूंगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर कौन से पीरियड का, सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ट्रेंड एडजस्टमेंट। अगर ट्रेंड बोला 10% सेल्स बढ़ेगा तो मैं प्लस 10% कर दूंगा, बोलेगा 10% इस साल सेल्स गिरने वाला है तो मैं 10% माइनस कर दूंगा, इसको जब मैं ऐड या लेस कर दूंगा मेरा निकल जाएगा एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड। इससे जब मैं एक्चुअल टर्नओवर को कंप्यूट कर, कंपेयर कर लूंगा एक्चुअल सेल्स को, तो मेरे को मिल जाएगा शॉर्ट सेल्स ऑफ दैट पीरियड, मेरे को मिल जाएगा शॉर्ट सेल्स ऑफ दैट पीरियड।
शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड माइनस एक्चुअल सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड। एक्चुअल सेल्स डायरेक्टली मिल जाएगा, चिंता मत करना, क्वेश्चन देगा क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से सीधा मिल जाता है वो, बट एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ दैट पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हम बेस किसको लेंगे, बेस लेंगे सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर में कितना सेल्स हमने किया था, उससे हम लोग ट्रेंड एडजस्टमेंट करेंगे कि इस साल का सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कितना चेंज होना चाहिए, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे इस पीरियड का एस्टिमेटेड सेल्स और उसको एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करके हम लोग निकालेंगे शॉर्ट सेल्स। भैया अगर ट्रेंड क्वेश्चन में दे दिया तो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। मान लो भैया ट्रेंड क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या ट्रेंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ सकता है। जब क्वेश्चन को टफ करना होगा इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ट्रेंड बताएगा नहीं, आपको आपको हिंट देगा, आपको ऐसे फिगर्स देगा जहां से आप ट्रेंड कंप्यूट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना ध्यान से, बोला लास्ट ईयर इस पीरियड का सेल, लास्ट ईयर इस पीरियड का सेल, ये पीरियड देख कौन सा, 1/4 से 1/6 बिफोर द डेट ऑफ फायर, लास्ट ईयर इस पीरियड का सेल्स था 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, और इस साल इस पीरियड का सेल बिफोर द डेट ऑफ फायर, बिफोर द डेट ऑफ फायर, इस साल इस पीरियड का सेल्स है 12 लाख रुपया। लास्ट ईयर 1/4/2018 से लेके 1/6/2018 का सेल्स था 10 लाख, 1/4/2019 से लेके 1/6/2019 तक का सेल्स था 12 लाख। अगर आपको ट्रेंड अलग से कुछ ना बताए तो आप एक हिंट ले सकते हो कि लास्ट ईयर जो 10 लाख का सेल था उस पीरियड का, इस साल वो 12 लाख हो गया, मतलब देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन सेल्स इन करेंट ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जिस पीरियड का सेल्स 10 लाख था, इस साल उस पीरियड का सेल्स 12 लाख है, तो ये इंक्रीज कितना हुआ, 20%। आप ट्रेंड 20% लेके अपने आगे के कैलकुलेशन चालू करेंगे। हो सकता है वो इस पीरियड का सेल्स ना दे बट लास्ट के 3 साल का आपको सेल्स दे दे, बोला 2016-17 इतना सेल्स, 17-18 इतना सेल, 18-19 इतना सेल, और 19-20 में आग लग गया। अगर 16-17-18 तीनों साल का सेल्स फिगर दे दिया तो इन तीनों साल के सेल्स फिगर में जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज है कैलकुलेट करके एवरेज ट्रेंड निकाल लेना। और ये एवरेज ट्रेंड क्वेश्चन आपको ऐसे बोल रहा है बट रियल लाइफ में पता है इंश्योरेंस कंपनी में क्लॉज लिखा हुआ रहता है कि किस तरीके से सेल्स में ट्रेंड एडजस्टमेंट किया जाएगा, करंट ईयर का सेल्स कैलकुलेट करते हैं मैं किस तरीके से या किस लेवल पर, किस परसेंटेज पर हम लोग ट्रेंड एडजस्ट करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी में सब कुछ लिखा रहता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, या तो डायरेक्टली दे देगा या साइलेंट हो जाएगा। डायरेक्टली दे देगा नो चिंता, साइलेंट हो जाएगा हम लोग ट्राई करेंगे कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, अगर पॉसिबल है तो हम लोग कैलकुलेट करके आगे का कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सर ये कैसे निकाले आप 20%? अरे 10 लाख से 12 लाख हो गया, मतलब सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख, 2 लाख का सेल इंक्रीज हुआ ऑन अ सेल ऑफ 10 लाख, जो लास्ट ईयर 10 लाख था अब उसके ऊपर 2 लाख है, तो 2 लाख ऑन अ सेल ऑफ 10 लाख अगर इंक्रीज हुआ है तो 20% इंक्रीज इन सेल्स है और यही 20% हमारा ट्रेंड एडजस्टमेंट है। सर जरूरी थोड़ी है पहला 2 महीना में जो हुआ नेक्स्ट 3 महीना में भी वैसा ही रेट से बढ़ेगा, जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, बट एस्टिमेशन को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करना करेगा तो हमें तो कुछ डेटा यूज करके काम करना पड़ेगा, ये हमारा डेटा है। रियल लाइफ में पॉलिसी के अंदर सब कुछ लिखा रहता है बट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस्टिमेशन को एक लेवल पर जाके रोकना पड़ेगा, नहीं तो कभी सम कंप्लीट ही नहीं होगा। तो एग्जाम में कैसे करना है वो मेरे को तुमको साथ साथ सिखाना है, तो ये ट्रेंड एडजस्टमेंट हम लोग एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स कंपेयर मत करने लग जाना, डिसलोकेशन मतलब जहां डिस्टरबेंस है वहां का कंपेयर करोगे तो हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देगा क्योंकि डिस्टरबेंस है सेल्स नहीं हुआ, उस पीरियड का कंपेयर नहीं करोगे। उसको छोड़ के अगर कोई पीरियड का सेल्स करंट ईयर लास्ट ईयर का दिया हुआ है या पुराने सालों का सेल्स का आपको वैल्यू दिया हुआ है तो आप उनको कंपेयर करके अपना ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 वैल्यू है तो उसके बीच में निकाल लो, 2 से ज्यादा वैल्यू है तो सारी वैल्यू का निकाल के एवरेज कैलकुलेट कर लो, जो एवरेज ट्रेंड होगा उसी के हिसाब से हम लोग एस्टिमेशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो बोलेगा उसके हिसाब से ट्रेंड कैलकुलेट होगा, मेरे और तुम्हारे बोलने से ट्रेंड कैलकुलेट नहीं होगा। रियल लाइफ में इंश्योरेंस पॉलिसी लिख देता है, क्वेश्चन अगर बताया तो ठीक, नहीं बताया तो हम लोग चीजों को देख के कंपेयर करके अपना ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे।
पहले बताइए सारे बच्चे, ये इतने से पैरामीटर, सिर्फ शॉर्ट सेल्स वर्ड का मतलब और कैलकुलेशन सबको क्लियर है। शॉर्ट सेल्स को पहले मैंने बहुत नॉर्मल भाषा में समझाया, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड माइनस एक्चुअल सेल्स, एस्टिमेट कैसे करना है वो मैंने सिखाया। क्या क्लियर है सबको? मैं अभी जब लिखवाऊंगा ना, लिखवाऊंगा इस तरीके से कि कोई बच्चा अगर समझना नहीं चाहता है तो वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लर्न कर सकता है। स्टेप वन ये निकालना है, स्टेप टू ये निकालना है, उसके लिए कोई चीज टफ होगी नहीं, बट अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो मेरी बात सुनो, ये अपने आप लर्न हो जाएगा तुमको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बोला। झिलमिल पूछ रही है सर, अगर आग एकदम शुरू के डेट से ही लग गया, शुरू के डेट से 1/4 से ही, तो सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर आपको पुराने सालों का देगा, आपको कुछ ऐसा डेटा देगा जहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे। डिसलोकेशन पीरियड को लेके कभी भी ट्रेंड कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि डिसलोकेशन इज डिस्टर्बेंस पीरियड। यहां से कंपेयर करोगे तो कभी रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्लियर है? डन, लिखना शुरू करो। सारे बच्चे लिखना शुरू करेंगे, अभी तक जो पढ़ा इतना लिख लो, उसके बाद इधर तक एग्जाम्पल करके मैं आगे बढ़ूंगा। इतना लिख लो पहले, सारे बच्चे लिखो, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट हेडिंग दे दो, और पास में लिख लो कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। मैंने लिखवा दिया है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। पॉइंट नंबर ए लिखो, पॉइंट नंबर ए, दिस इंश्योरेंस पॉलिसी विनीत ट्रेंड सेल्स का निकालना है, क्योंकि हम सेल्स एस्टिमेट कर रहे हैं, ट्रेंड हमेशा सेल्स का निकलेगा, प्रॉफिट का नहीं निकलेगा। दिस पॉलिसी या दिस इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स द लॉस ऑफ प्रॉफिट, कवर्स द लॉस ऑफ प्रॉफिट due to disturbance or dislocation, due to disturbance or dislocation of business, due to disturbance or dislocation of business after happening of an uncertain event like fire. Number B, this policy can be taken as a separate insurance policy or can be added as a clause in existing fire insurance policy for assets. Number C, claim for loss of profit policy will be admissible only if claim has been admitted on the main policy. Only if claim has been admitted on the main policy. Claim has been admitted on the main policy. Only if claim has been admitted on the main policy. Full stop.
पॉइंट नंबर डी, ये सब थ्योरिटिकल पॉइंट्स था, एग्जाम में नहीं लिखना आएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स नंबर ए लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स loss of gross profit on short sales during dislocation period, loss on gross profit on short sales during dislocation period, and number B, additional expenditure incurred during dislocation period. Additional expenditure incurred during dislocation period. Number E. Claim for loss of profit shall be allowed for dislocation period or indemnity period. ये बताएगा आपको क्वेश्चन, नहीं बताए तो फिर डिसलोकेशन ही इंडेमनिटी है, उतना कवर्ड है मान लेंगे। अलाउड फॉर डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड, विच एवर इज लोअर या अर्लियर। अगर डिसलोकेशन पीरियड 5 महीना, इंडेमनिटी की हुई है 6 महीने की, तो 5 महीने का क्लेम आपको मिल जाएगा, जो भी नुकसान हुआ पूरा क्लेम मिल जाएगा आपको। अगर आपका डिसलोकेशन हो रहा है 8 महीने का, बट आपने इंडेमनीफाई करवाया 6 महीने के लिए, उसी हिसाब से प्रीमियम पे किया है, तो फिर आपको वो 6 महीने का ही लॉस कवर किया जाएगा, पूरे 8 महीने का लॉस कवर नहीं किया जाएगा। आप कैलकुलेशन भी उसी बेसिस पे करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, आप हमेशा पाएंगे डिसलोकेशन पीरियड विल बी लेस देन और इक्वल टू इंडेमनिटी पीरियड, कभी वो उल्टा वाला क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। दिख जाए तो फिर कैलकुलेशन इंडेमनिटी पीरियड के हिसाब से कर लेना, डिसलोकेशन पीरियड को गोली मारना। तो क्लेम मिलेगा डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड, विच एवर इज लोअर। आपको इंडेमनिटी पीरियड से ज्यादा का तो क्लेम मिल नहीं सकता, अदरवाइज जो मालिक है वो बैठा ही रहेगा, छोड़ना, इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम दे ही रही है लॉस का, चुपचाप बैठे रहो, नुकसान हो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल करो, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड तक मिलेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। नंबर एफ, How to compute loss and claim under this policy? अब ये मेरे practical question का मुद्दा आ गया। How to compute loss and claim under this policy? जो हमारा question आएगा exam में। तो हम लोग start करेंगे step one। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, आप पूरा भी लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। पहले हम लोग निकालेंगे शॉर्ट सेल्स का मतलब रिडक्शन और डिक्रीज इन सेल्स। यस, झिलमिल, द इंडेमनिटी पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। आपका पॉलिसी 1 साल का है, ठीक है, 1 साल के अंदर अगर आग लगा तो जिस दिन आग लगा वहां से आपको 6 महीने का क्लेम मिलेगा, तो कंप्यूटेशन ऑफ इंडेमनिटी एंड डिसलोकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फायर।
रिडक्शन और डिक्रीज इन सेल्स ड्यू टू डिसलोकेशन, ड्यू टू डिसलोकेशन, रिडक्शन और डिक्रीज इन सेल्स ड्यू टू डिसलोकेशन। कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, पहले लॉजिक, लॉजिक, एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड, ऑफ डिसलोकेशन पीरियड, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर कुछ नहीं होता तो उस पीरियड का सेल्स क्या होता, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस लेस एक्चुअल सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड, लेस एक्चुअल सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड। क्योंकि आग लग गई, समय खराब चल रहा है, तो देखो अब सेल्स कितना हुआ है एक्चुअल में, ये जो फिगर आएगा ये हो जाएगा शॉर्ट सेल्स, ये जो फिगर होगा ये हो जाएगा शॉर्ट सेल्स। मेरे बच्चे ये लॉजिक है, लॉजिक। मैं लॉजिक भी इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तुम कभी पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाए। लॉजिक मेन कॉपी में लिखाऊंगा, जब समरी लिखाऊंगा तो सीधा कैलकुलेशन टेक्निक बोलूंगा, फिर लॉजिक नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपका समझा हुआ है। अब हम लोगों का क्वेश्चन है हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड कैसे निकाले बोलो तो, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स ऑफ सेम पीरियड, सेम पीरियड, आप कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड भी लिख सकते हो, इन लास्ट ईयर एक्चुअल सेल्स ऑफ सेम पीरियड जो डिसलोकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मैं लिखता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन, एक्चुअल सेल्स ऑफ सेम पीरियड इन लास्ट ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन, प्लस और माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, ट्रेंड एडजस्टमेंट। जरूरी थोड़ी है लास्ट ईयर का सेल्स जितना हुआ था उतना ही इसी साल का सेल्स होगा, हो सकता है इस साल सेल्स बढ़ जाए, हो सकता है इस साल सेल्स गिर जाए, तो हमको इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। प्लस माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट। तो मेरे बच्चे फाइनली शॉर्ट सेल्स निकला कैसे, फाइनली शॉर्ट सेल्स निकला कैसे, सर स्टैंडर्ड टर्नओवर, जिस समय डिसलोकेशन पीरियड है उसी पीरियड का लास्ट ईयर में क्या सेल्स हो सकता था, स्टैंडर्ड टर्नओवर, प्लस और माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, माइनस एक्चुअल टर्नओवर ऑफ डिसलोकेशन पीरियड, मिल जाएगा शॉर्ट सेल्स। तो मैंने बोला एस्टिमेटेड कैसे करेंगे, कैसे एस्टिमेट करेंगे कि इस तीन महीने में सेल्स क्या होना चाहिए था, उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल्स कितना है। अगर अपवर्ड ट्रेंड है दीदी, अपवर्ड ट्रेंड है, तो हम लोग ऐड करेंगे ट्रेंड कि 1,00,000 सेल्स था इस साल, 10% बढ़ने वाला था तो 1,10,000 होना चाहिए था। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, सेल्स गिर रहा है, आपके बिजनेस का ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है, तो माइनस करेंगे। लिखो नोट, ट्रेंड एडजस्टमेंट, ट्रेंड एडजस्टमेंट कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, जो ट्रेंड एडजस्टमेंट का रेट है, रेट 10%, 12% अपवर्ड डाउनवर्ड, कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द क्वेश्चन और कैन बी कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड, और कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोस, कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोस,
क्या क्या तरीका हो सकता है? नंबर वन, सेल्स ऑफ करेंट ईयर, सेल्स ऑफ करेंट ईयर बिफोर डेट ऑफ फायर, बिफोर डेट ऑफ फायर, सेल्स ऑफ करेंट ईयर बिफोर डेट ऑफ फायर कंपेयर्ड टू, कंपेयर्ड टू सेल्स ऑफ सेम पीरियड, सेल्स ऑफ सेम पीरियड इन लास्ट ईयर, सेल्स ऑफ सेम पीरियड इन लास्ट ईयर। आपको क्वेश्चन का डेटा देखना होगा, उसने आपको क्या प्रोवाइड किया है। अगर आपको आग से पहले का पीरियड का सेल्स करंट ईयर लास्ट ईयर प्रोवाइड कर दे तो हम लोग ट्रेंड निकाल सकते हैं। और नंबर टू, सेल्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स गिवन, पास्ट फ्यू ईयर्स गिवन, सेल्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स गिवन ट्रेंड कैन बी, ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग दोज सेल्स, कंपेयरिंग दोज सेल्स एंड एवरेजिंग देम, कंपेयरिंग दोज सेल्स एंड एवरेजिंग देम। हमने सारी सेल्स को कंपेयर किया, 16, 17, 18, 10% सेल्स इंक्रीज हुआ, 17, 18, 18, 19, 15% सेल्स इंक्रीज हुआ, तो हम 10 ले या 15 ले, बेटर है दोनों का एवरेज ले लो, 10 + 15/2। अगर आपको बहुत सारे साल का डेटा दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेंड निकाल के एवरेज कर लो। अगर सिर्फ दो साल का डेटा दिया हुआ, मान लो लास्ट ईयर और उससे पहले वाला साल, तो उन दोनों को कंपेयर करके ट्रेंड निकाल लो। आपको जो भी डेटा क्वेश्चन में देगा उसको यूज करके आप ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो। यह डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में किस तरीके से डेटा लिख के दिया हुआ है। यह मैं पहले नहीं बोल सकता, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तभी मैं तुमको गाइड करूंगा, देख ये ट्रेंड दिख रहा है, देख ऐसे ट्रेंड निकाल ले, ये क्वेश्चन के डेटा के पर डिपेंड करेगा। बट पहला सिंपल टाइप का क्वेश्चन जहां पे ट्रेंड खुद बता दे, 10% इंक्रीज इन सेल्स वाज एक्सपेक्टेड, 10% डिक्रीज इन सेल्स वाज एक्सपेक्टेड, तब तो कोई चिंता ही नहीं है, सामने सामने सब कुछ है, आंसर निकाल लो। अभी टेंशन लेने का नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया क्या है, एग्जाम्पल देते ही सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं, लिखो एग्जाम्पल, सिर्फ शॉर्ट सेल्स पर एग्जाम्पल, सिर्फ शॉर्ट सेल्स पर एग्जाम्पल। साहिल, अगर एक साल का इंक्रीज दूसरे साल का डिक्रीज हुआ तो माइनस करके एवरेज करेंगे, 10% मान लो। अब बहुत ही अलग एब्सर्ड ट्रेंड है, एक साल का 10%, एक साल का 20% डिक्रीज, तो इस केस में फिर एवरेज नहीं करके जो एकदम लास्ट ईयर है उसका ले लेना चाहिए, जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड है उसको ले लेना चाहिए। बट ऐसा एब्सर्ड आपको देता नहीं है, तो आप चिंता ना करें। डन, दिमाग बहुत कुछ बोलेगा बट क्वेश्चन देखने के बाद देखना दिमाग क्या बोलता है, दिमाग अपने आप काम करेगा। एग्जाम्पल, डेट ऑफ फायर, September 1, 2019, डेट ऑफ फायर, अरे बाबा रे शिवम तो और आगे चल रहा है, एडिशनल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, बहुत कुछ आएगा, रुको ना, काहे हड़बड़ाते हो। डेट ऑफ फायर 1919, बिजनेस वॉज डिस्टर्ब्ड टिल 1 January 2020, या 1 January नहीं लेना, टू मेक इट सिंपल, आप कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए 1 December 2019, 3 महीना, ठीक है। इनडेमनिटी पीरियड, इनडेमनिटी पीरियड 6 months, 6 महीने के लिए हमने अपने आप को इंडेमनिफाई कर रखा रहा, 6 महीना तक बिजनेस खराब हुआ, प्रॉफिट खराब आया, तब तक इंश्योरेंस कंपनी संभालेगा, 6 months, ठीक है। एक्चुअल सेल्स बिटवीन 1919 टू 1 12 19,
₹80,000. एक्चुअल सेल्स बिटवीन 1919 टू 1219 80,000. एक्चुअल सेल्स बिटवीन 1918 टू 1218 corresponding period to dislocation, rupees 2 lakhs. ठीक है, it was expected that sales for 2019 will increase by 10% as compared to 2018. Sales for 2019 will increase by 10% as compared to 2018. Compute short sales. लिखने में जितना टाइम लगा आंसर एक मिनट में आ जाएगा. क्यों लिखवाया सर? तुमको दिखाने के लिए क्वेश्चन डेटा कैसे देगा, ऐसा डेटा क्वेश्चन में तुमको दिखाई देगा. क्या लगता है बताइए? प्रतीक का तो आंसर आ गया 1,40,000. प्रतीक बोला सर 1,40,000 का रिडक्शन है सर, 1,40,000 का रिडक्शन है सर. जतिन भी बोल रहा है, शुभांशु भी बोल रहा है, पूजा भी बोल रही है, खुशी भी बोल रहा है, श्वेतम भी सेम बात बोल रहा है. बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल सर. आइए ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं आंसर. स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब उसी पीरियड का लास्ट ईयर का, 1918 से 1218 क्या सेल हुआ था? 2 लाख. ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है. स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड सेट किया. एड हम लोग सोचे थे इस बार सेल्स इंक्रीज करेगा बाय 10%, तो 10% अपवर्ड ट्रेंड 20,000. तो इस साल उस पीरियड में सेल्स होना कितना चाहिए था? 2,20 लेस एक्चुअल सेल्स ऑफ डिसलोकेशन पीरियड. एक्चुअल में सेल्स हुआ कितना? 80,000. तो मेरे को बताओ शॉर्ट सेल्स कितना आ जाएगा? 140. शॉर्ट सेल्स कितना आ जाएगा? 140. देखिए आप लोग कैलकुलेट बहुत इजीली कर पा रहे हैं, बहुत सिंपली कर पा रहे हैं, विदाउट एनी दिक्कत कर पा रहे हैं. सर आपने इजी क्वेश्चन दिया होगा इसीलिए कर लिए. नहीं रे, हर क्वेश्चन में यही लिखा रहेगा. मैक्सिमम क्या करेगा पता है? वो ट्रेंड डायरेक्टली नहीं देके तुमको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि कैसे निकालोगे ट्रेंड. हम लोग सोचेंगे, हम लोग निकालेंगे भी, एक बार में निकालेंगे. सब लोग लिख लो इतने दूर, इतना दूर तक सारे बच्चे लिख लो. मैं इस टॉपिक को बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं. शॉर्ट सेल समझाया, फिर जीपी समझाऊंगा, फिर जीपी ऑन शॉर्ट सेल समझाया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर में आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एडिशनल कंप्लीट. फिर लॉस में जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट. चार स्टेप को इतना तोड़ के पढ़ेंगे कि चारों स्टेप याद हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है. मैं एक बार और कोई एग्जाम्पल नहीं रहा हूं, मैं यही एग्जाम्पल लेके अब आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है, अब अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट था शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करना, मैंने कर लिया. दूसरा पॉइंट जीपी मार्जिन. प्रतीक
प्रतीक पूछ रहा है फायर फाइटिंग एक्सपेंस को लॉस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट बोल सकते हैं? नहीं, वो तो लॉस ऑफ स्टॉक के साथ आपको अलग से कवर मिल ही गया था, उसको वापस डबल कवर नहीं कर सकते, वो पार्ट ऑफ नहीं रहेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। आइए जीपी मार्जिन, हमने बोला हम लोग को कैलकुलेट करना है जीपी ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल्स हो गया, अब जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर रहा हूं। सुनना, ये जो जीपी मार्जिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन, क्या मार्जिन? एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन। इस साल का हमारा एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ करेंट ईयर, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब ये मैं कैलकुलेट कैसे करूं? सर बिल्कुल सिंपल, जैसे सेल्स कंप्यूट किया। सर आप मान लो, आप सबसे पहले निकाल लो लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कितना था, लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कितना था, उसके बाद चेक करो क्या इस साल जीपी मार्जिन में कुछ चेंज होने लायक है, क्या क्या इस साल जीपी मार्जिन कम बेसी होगा, क्या हो सकता है सर परचेस प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया या सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो सर जीपी मार्जिन में एडजस्टमेंट हो सकता है, वो एडजस्ट करने के बाद आप जीपी मार्जिन अपना निकाल लो, बिल्कुल सिंपल। तो मेरे को निकालना है करंट ईयर का एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन, जो मैं करंट ईयर पे सेल्स पर प्रॉफिट कमा पाता। अब ये एस्टिमेटेड निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद अगर मेरे को लगता है इस साल कोई कॉस्ट या सेल्स प्राइस में चेंजेस आया है तो उसके कारण कोई जीपी मार्जिन बढ़ना या कमना चाहिए या नहीं, वो बढ़ने कमने के बाद जो मेरा आएगा वो मेरा एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन ऑफ करंट ईयर हो जाएगा। प्लीज उस बढ़ने कमने के लिए ट्रेंड को मत यूज कीजिएगा, ट्रेंड मैंने बोला सेल्स में क्या चेंज हुआ है। अब सेल्स का अमाउंट चेंज होने से जीपी मार्जिन चेंज हो यह जरूरी नहीं है, जीपी मार्जिन डिपेंड करना करता है सेल्स प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे, वो सेल्स की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप इधर ट्रेंड से एडजस्ट नहीं करोगे, आप चेक करोगे क्या क्वेश्चन कुछ बोल रहा है जीपी के इंक्रीज या डिक्रीज के लिए। हो सकता है क्वेश्चन बोले द कॉस्ट ऑफ परचेजेस इन करंट ईयर विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट जीपी मार्जिन शैल इंक्रीज बाय 2%, आप 2% से बढ़ा देना उसको। कॉस्ट ऑफ परचेज शैल डिक्रीज शैल इंक्रीज इन दिस पीरियड, एज अ रिजल्ट जीपी मार्जिन शैल डिक्रीज बाय 2%, आप 2% से गिरा देना। बट यहां पर ट्रेंड को एडजस्ट मत करना, यहां मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर, वो टोटल सेल्स की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई लिखेगा नहीं, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं जीपी मार्जिन ऑफ लास्ट ईयर प्लस और माइनस इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन जीपी मार्जिन ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। ये करने से मेरा क्या निकल जाएगा, एप्लीकेबल जीपी मार्जिन, क्या निकल जाएगा, एप्लीकेबल जीपी मार्जिन, एप्लीकेबल जीपी मार्जिन, जो मेरे करंट ईयर की सेल्स के लिए रेलिवेंट है उसको मैं करंट ईयर की शॉर्ट सेल से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा क्या निकल जाएगा, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। मुद्दा इस बात पर नहीं है, मुद्दा है इस पॉलिसी में जीपी मार्जिन को कैलकुलेट करने का। जीपी मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉलिसी में फॉर्मूला है, इस पॉलिसी में फॉर्मूला है जीपी मार्जिन ऑफ लास्ट ईयर इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, जीपी मार्जिन ऑफ लास्ट ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट ईयर्स नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल्स, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल्स इनटू 100 जो करते हो वो तो होगा ही, उसमें तो मेरे को कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, इनटू 100 जो करते हो वो तो होगा ही। बट मेरा मेन मुद्दा देख, फॉर्मूला जीपी मार्जिन अभी कैलकुलेट कर रहे थे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, कितना सिंपल फॉर्मूला था सर, वैसे ही निकाल लेते, अभी तो कैलकुलेट किए थे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में जीपी बाई सेल्स, हम तो सर बचपन से जीपी बाई सेल्स करते आ रहे हैं। इस पॉलिसी के अंदर जब जीपी मार्जिन कैलकुलेट करोगे जीपी बाई सेल्स इंटू 100 नहीं होगा, इस पॉलिसी में फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। कोई बच्चा खबरदार मेरे से एक चीज का भी मतलब नहीं पूछेगा।
क्यों सर आप समझाओगे नहीं? क्योंकि मैं अभी समझाने वाला हूं, सुनना। सर ये फॉर्मूला आया कैसे? सर इस फॉर्मूला का मतलब आप बैकग्राउंड समझाओ सर, ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है दिमाग में, क्योंकि जीपी मार्जिन का फॉर्मूला सर जीपी बाई सेल्स ही फिट होता है सर। ये इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस नेट प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाई सेल्स, ये क्यों किया आपने? सुनना, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को तोड़ना चाहूं, ध्यान से सुन, मैं आपके कोई कमेंट कोई डाउट्स नहीं देख रहा हूं, ठीक है? मैं आपके डाउट्स को अभी एक बार तिल्ली लगा रहा हूं, पहले आप मेरी बात सुनो फिर मैं आपके डाउट सुनूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का पहला तरीका होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके जीपी निकला, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 किया जीपी मार्जिन, वो आपने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में ऑलरेडी सीख लिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट को और सोचना चाहो तो दूसरा तरीका सुनना क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे बच्चे बोलो हां या ना, क्या ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? अभी दीदी कुछ लिखिए मत, मैं लिखने का समय दूंगा आपको, प्लीज कुछ मत लिखिए प्लीज। नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे लिख सकता हूं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो टाइप के हो सकते हैं, वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल फिक्स्ड। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब तुम्हारा बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा, जब बिजनेस में तुम्हारा डिसलोकेशन चल रहा होगा उस समय तुम्हारी सेल्स तुम अचीव कर पाओगे क्या? सर नहीं, उसी का तो रोड है, उसी के लिए तो क्लेम कर रहे हैं। अगर उस समय तुम्हारे बिजनेस में सेल्स ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, अगर सेल्स ही नहीं होगा तो वेरिएबल खर्चे उस समय लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्योंकि सर जब सेल्स ही नहीं हो रहा है तो सर वेरिएबल खर्चा क्या लगेगा? वेरिएबल खर्चा नहीं होगा सर उस समय। उस समय वेरिएबल खर्चा अगर होता तो सर हमारा सेल्स जो है सेल्स वो भी तो हम लोगों का पूरा अचीव। सर वेरिएबल खर्चा मतलब वो खर्चा जो सेल्स पर डिपेंड हो रहा है। सर अगर सेल्स कम हो रहा है, सेल्स डिक्रीज हो गया, तो जो सेल्स हम कर नहीं पाए सर उस पर वेरिएबल खर्चा तो नेक्स्ट ईयर नहीं लगेगा, डिसलोकेशन पीरियड में नहीं लगेगा। तो बोला गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जब आप खर्चे लोगे आप वेरिएबल एक्सपेंस को साइड करो, क्योंकि जब आपका सेल्स ही नहीं हुआ तो वेरिएबल एक्सपेंसेस काहे का होगा। आप कंप्यूट कर रहे हो जीपी ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल्स मतलब वो सेल्स जो आप कर नहीं पाए, तो अगर सेल्स नहीं हुआ तो उसके ऊपर वेरिएबल खर्चा लग नहीं सकता, वेरिएबल खर्चा हट गया। अब बचा फिक्स्ड एक्सपेंस। एक्चुअली तुमको पता है जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हो गया, हम लोग प्रॉफिट कमा नहीं पाए, एक्चुअली नुकसान होता है नेट प्रॉफिट का। बिजनेस का प्रॉफिट एक्चुअली नेट प्रॉफिट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नेट प्रॉफिट को बोलते हैं। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है ना, जब वो वर्ड बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, वो ग्रॉस प्रॉफिट में दो चीज को कवर करता है, एक नेट प्रॉफिट जो उस तीन महीने बिजनेस चल के एक्चुअली प्रॉफिट तुम कमाते, प्लस द फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस है जो लगते रहेगा वेदर और नॉट योर बिजनेस इज रनिंग। तुम्हारा रेंट ऑफ प्रेमाइसेस वो लगते रहेगा वेदर और नॉट बिजनेस इज रनिंग। तुम्हारा सैलरी ऑफ स्टाफ, तुम्हारा माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है, सैलरी ऑफ स्टाफ लगते रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लगते रहेगा, चाहे तुम्हारा बिजनेस चलो या ना चलो, ये खर्चे तो तुमको देने ही पड़ेंगे। तो जब मैं बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ, मैं दो चीज मीन करता हूं, एक नेट प्रॉफिट, दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हूं और जो नेट प्रॉफिट कमाना चाहिए था वो मैं कमा नहीं पा रहा हूं। नेट प्रॉफिट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मैं कवर करना चाहता हूं। स्टैंडिंग चार्जेस वर्ड का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, स्टैंडिंग चार्जेस वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है जब पॉलिसी ले रहे हो, आपको जो नेट प्रॉफिट का नुकसान होगा, जो उस पीरियड में बिजनेस नहीं होने के कारण आपका नेट प्रॉफिट खराब हुआ वो देंगे। दूसरा, बिजनेस चल नहीं रहा है, डिसलोकेशन है, रेंट लगे जा रहा है, सैलरी लगे जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लगे जा रहा है, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस लग रहे हैं। आप जो जो इंश्योरेंस पे कवर कराएंगे खर्चे, आप जो जो इंश्योरेंस पे कवर कराएंगे एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस का हम आपको भुगतान करेंगे, उससे ज्यादा हम भुगतान नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे को वर्ड लिखना पड़ा इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस।
जब आप लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लोगे ना, उसमें आपको बताना पड़ेंगे कौन कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप कवर कराना चाहते हो। जितने ज्यादा खर्चे कवर कराओगे उतना ज्यादा प्रीमियम। अगर कुछ खर्चे आप छोड़ोगे, वो बोलेंगे चलो ये खर्चा मैं खुद बियर करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को इसका भुगतान नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी उस खर्चे को छोड़ देगी, प्रीमियम कम हो जाएगा। बट अगर आग लग गया, डिसलोकेशन हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कवरेज आपको नहीं देगी, वो खर्चा आपको अपने पॉकेट से ही देना पड़ेगा। तो जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करता हूं, मैं दो चीज की बात करता हूं। एक, जो मेरा नेट प्रॉफिट का नुकसान हुआ बिजनेस बंद होने के कारण। दूसरा, जो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगते जा रहा है ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, जो रुक नहीं रहा है, और जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कराया। इसीलिए आपका फॉर्मूला देखो क्या बन गया ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसको आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कराया है, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल्स इनटू 100। ये कुछ नहीं, अरे जीपी बाय सेल्स इनटू 100 ही हो रहा है। बस जीपी में सारे एक्सपेंसेस कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कवर कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये लास्ट ईयर का, क्योंकि ये सब आपके पास लास्ट ईयर का अवेलेबल रहेगा, इस साल का अवेलेबल नहीं रहेगा, अभी तो साल चल रहा है। लास्ट ईयर का जीपी निकाला, प्लस और माइनस किया, जो इंक्रीज या डिक्रीज है, मेरा निकल गया क्या, एप्लीकेबल जीपी फॉर दी करेंट ईयर। अब मेरे को बताओ, क्या ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक चलना शुरू हुआ? ये है वही जीपी बाई सेल्स इनटू 100। जीपी को निकालने का दूसरा तरीका नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब आपका बिजनेस में सेल्स हुआ ही नहीं, सेल्स नहीं हुआ तो आपका वेरिएबल कॉस्ट तो लग ही नहीं रहा होगा, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस को हटाओ जीपी से, वो हम लोग इंक्लूड। जीपी के बाद जो वेरिएबल एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनको हटाओ, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं, वो आपको भी लग रहा है, उसका हम भुगतान आपको देंगे, बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस का हम भुगतान उसी खर्चे का देंगे जो खर्चा आपने इंश्योर करवाया है। अगर कुछ पोर्शन ऑफ खर्चा आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, आपने प्रीमियम सेव करने के लिए कुछ खर्चों को बाहर कर दिया था, तो उस खर्चे का आपको भुगतान नहीं मिलेगा। ये पहला चीज है जो तुमको फॉर्मूला वाइज लर्न करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। मैंने इसका बैकग्राउंड नॉलेज देने की कोशिश की, जो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जीपी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओमकार वेरिएबल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट सेल्स से रिलेटेड, जब सेल्स होगा तभी वो खर्चा होगा। जब हम लोग शॉर्ट सेल्स के ऊपर जीपी मार रहे हैं, तो शॉर्ट सेल्स मतलब सेल्स हुआ ही नहीं, सेल्स हुआ नहीं तो वेरिएबल एक्सपेंस कैसे लग सकता है। इंश्योर्ड वर्ड का मतलब है मेरे बच्चे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आपके लग रहे थे। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में बताना पड़ता है कौन कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप कवर करना चाहते हो। अगर आपने बोला ये मेरा चार खर्चा लगता है, चारों कवर कर दो, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आपका इंश्योर्ड हो गया। बट आपने बोला चार में से तीन कवर करेंगे, एक आप छोड़ दो, तो आपके इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सिर्फ वही तीन खर्चे होंगे जिसको आपने कवर कराया है। जो आपने कवर नहीं कराया वो साइड कर देना। मजे का बात पता है क्या है? मजे का बात, ये और ये क्वेश्चन खुद प्रोवाइड कर देगा, तुमको निकालने का जरूरत नहीं। नेट प्रॉफिट खुद प्रोवाइड करेगा, इंश्योर्ड चार्जेस का अमाउंट खुद प्रोवाइड करेगा, तुमको खाली फॉर्मूला याद रखना है। मतलब ये जो मैं तुमको सिखा रहा हूं लॉजिकली, ये मेरे पूरा ज्ञान सिर्फ एक क्वेश्चन में काम आएगा जहां मेरे को स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करना होगा। अदरवाइज हर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट तुमको खुद बताएगा कितना नेट प्रॉफिट, कितना इंश्योर्ड चार्जेस, कितना सेल्स। तुमको सिर्फ फॉर्मूला मार के जीपी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीपी परसेंटेज। डन है क्या? प्लीज मेरे बच्चों, आप ये लिखेंगे, आप ये लिखना शुरू करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, हड़बड़ाओ मत, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार समझने का कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूं, बिकॉज दिस टॉपिक यू हैव नेवर रेड। पहली बार रीड कर रहे हो तो पहले सुनो कंटेक्स्ट क्या है, फिर डाउट क्रिएट करो, ठीक है ना? बिना सुने डाउट क्रिएट मत कीजिए आप लोग। आप लोग को ही दिक्कत होगा, बेकार का दिमाग घूमेगा जिस चीज का शायद जरूरत भी ना हो। कंटेक्स्ट सुन लो, फिर डाउट पूछो। चलिए फटाफट लिखिए। आपको यहां तक लिखना है, यहां तक। जीपी मार्जिन का फॉर्मूला लिखना है,
लास्ट ईयर्स नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर का ही डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100, और क्वेश्चन में एक एक वर्ड लिख के देगा आपको, एक एक वर्ड लिख के देगा, जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे का वैसा वर्ड लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन वाइज थिंग्स विल बी वेरी इजी, समझने वाइज थिंग्स आर टेक्निकल। यहां पे मेरा स्टेप वन क्लियर हो गया, जीपी मार्जिन निकल गया, शॉर्ट सेल्स निकल गया, मल्टीप्लाई करो लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स निकल जाएगा। इसके बाद स्टेप टू आएगा, पहले स्टेप वन कंप्लीट हो गया हमारा। सर 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 एक बार जितना हुआ है उतने का एक बार हम लोगों को एक एग्जाम्पल दे दो, फिर हम लोग सर आगे बढ़ पाएंगे। इतना एक बार सर डाइजेस्ट करने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन चाहिए, जहां पर हम लोग ये सब चीज खुद से कैलकुलेट करके बैठाना सीख जाए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, बुक का पेज नंबर 47, बुक का पेज नंबर 47, क्वेश्चन 19। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको अभी ना समझ में आए, क्योंकि मैं अभी तक आगे गया नहीं हूं, अभी तक मेरे को सिर्फ स्टेप वन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं पढ़ूंगा पूरा डेटा, वही लूंगा जो स्टेप वन के काम का है। पढ़ना शुरू करें, सुनते जाइए। ऑन अकाउंट ऑफ अ फायर ऑन 15 जून 2011, प्लीज अंडरलाइन द डेट ऑफ फायर, यहां से कहानी शुरू होगी। इन द बिजनेस हाउस ऑफ अ कंपनी द वर्किंग रिमेन्ड डिस्टर्ब्ड अप टू 15 दिसंबर 2011। जून में आग लगा और कामकाज डिस्टर्ब रहा 15 दिसंबर तक। कितना महीना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बार काउंट करो, कितना महीना? 15 जून से 15 दिसंबर, 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। सर 6 महीना की 7 महीना, सर जून से चालू करेंगे तो 7 महीना हो रहा है मेरे बच्चे। 30 जून से 30 दिसंबर काउंट कर ले, जून तो खत्म हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 15 जून से 15 दिसंबर भी तो वही होगा, 6 मंथ्स। ये हो गया मेरा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन लिखोगे मेरे साथ, 6 मंथ्स। डिसलोकेशन 6 मंथ्स। डिसलोकेशन 6 मंथ्स। आगे चले नेक्स्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स। इतना हालत खराब था कि हम कुछ सेल्स कर ही नहीं पाते उस डिसलोकेशन पीरियड में। आगे चलते हैं। द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एन एवरेज क्लॉज, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे हैं विथ एन एवरेज क्लॉज, अगेंस्ट कंसिक्वेंशियल लॉसेस फॉर 1,40,000, अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स हैज बीन अग्रीड अपॉन एज इंडेमनिटी पीरियड। हमने एक पॉलिसी ले रखा है, पॉलिसी का वैल्यू सम इंश्योर्ड कितना है, ये हो गया पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू ये आप जानते हैं सम इंश्योर्ड, ये मैक्सिमम क्लेम आपको मिलेगा, इतना नुकसान तक क्लेम आपको मिलते रहेगा, ठीक है। और 7 मंथ्स का पीरियड हमने इंडेमनिटी पीरियड माना है, 7 मंथ्स का, 7 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड है। 7 महीना तक अगर प्रॉफिट में प्रॉब्लम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगा। हमारा डिसलोकेशन तो 6 महीना है ना, तो 6 महीने का मिलेगा, 7 महीने का मांगने मत चले जाना, जितना दिन प्रॉब्लम है उतना दिन ही मिलेगा, इंडेमनिफिकेशन है, लॉस से ज्यादा तो क्लेम कर ही नहीं सकते आप। आगे, एन इंक्रीज ऑफ 25% was marked in current year sales as compared to the last year. क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है ये? An increase of 25%, increase of 25% was marked in current year sales as compared to last year. Last year के comparison में इस साल 25% sales बढ़ने वाला है। सर ये तो वो है, वो सर ये तो वो है, वो क्या, वो ट्रेंड।
सर ये ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है 25% का, जो लास्ट ईयर सेल्स हुआ इस साल एक्सपेक्टेड था कि 25% ज्यादा होगा। वेरी गुड, आगे द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 टू मेक सेल्स पॉसिबल। अगर आग लगने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते, नॉर्मल तरीके से चलते, तो कोई सेल्स होना पॉसिबल नहीं था। बट हमने कुछ एडिशनल खर्चा किया, नई गोडाउन ली, नए आदमी इंप्लॉय किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके कारण हम लोग कुछ सेल्स कर पाए। कितना सेल्स बताएगा? एंड मेड अ सेविंग ऑफ 2,000 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। 2,000 का सेविंग हुआ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में, जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो 2,000 हमने सेव कर लिए। हमने मालिक को बोला रेंट कम कर दो, लैंडलॉर्ड को बोला, उसने कुछ रेंट कम कर दी। हमने स्टाफ को बोला हालत खराब है कुछ सैलरी कम कर दो, सैलरी कम कर दी। हमने लेंडर को बोला 2 महीने का इंटरेस्ट हमें माफ कर दो, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, आग लग गया है बिजनेस में, हाथ खड़ा कर रहे हैं हम, उसने कुछ माफ किया। हमने जो स्टैंडिंग चार्जेस कवर करवा के रखे थे उसमें से कुछ बचत हुई। ये जो चीजें है ना, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर सेविंग, ये आपको आगे काम में आएगी। अभी क्वेश्चन में था तो मैंने आपके साथ रिपीट किया, पढ़ा सिर्फ। आगे चलते हैं। एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 15 जून टू 15 दिसंबर 2011। डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स दे दिया 70,000। डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स दे दिया 70,000। सेल्स फ्रॉम 15 जून टू 15 दिसंबर 2010, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, लास्ट ईयर में सेम पीरियड का सेल्स 240। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टोटल स्टैंडिंग चार्ज, फिक्स्ड एक्सपेंस था 120, हमने कवर कितना कराया 70, तो बैलेंस 50 क्या हो गया, अनकवर्ड अनइंश्योर्ड, बाद में काम आएगा, अभी बेकार है, अभी मेरे को इंश्योर्ड चाहिए। टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अब लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, लास्ट ईयर का पूरा सेल्स दे दिया, ये बता मेरे बच्चे क्या काम में आएगा? सर जीपी रेट कैलकुलेट करने के काम में आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। सर ये लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन इससे निकल जाएगा, हम लोग उससे करेंट ईयर का जीपी मार्जिन निकाल लेंगे। टर्नओवर फॉर वन ईयर 16 जून 2010 से 15 जून 2011, ये बाद में आपके काम में आएगा, अभी आपके काम का नहीं है। अभी मेरे जो काम का डेटा है ना, सुन ले, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चीज मेरे काम का है, जिससे मैं जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स और जीपी मार्जिन निकाल, मतलब शॉर्ट सेल्स और जीपी मार्जिन निकाल के जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स निकाल पाऊंगा। ये 6 डेटा को यूज करके हम लोग शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करते हैं, जीपी मार्जिन कैलकुलेट करते हैं और जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स निकालते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर में। ठीक, आ जा, पेज नंबर क्या है मेरे कॉपी का, 35 ही लो ना, 35 कॉपी वन पे 35, कॉपी वन पेज 35, आ जाओ पेज 47 क्वेश्चन 19, 47 क्वेश्चन 19, आ जाओ। स्टेप वन, जीपी लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा तब हर चीज कवर करूंगा, टेक्निकल लगेगा, सम्स करूंगा, 2 मिनट में आंसर आएगा, 2 मिनट, ऐसा सम आ जाएगा तो टोटल 10 मार्क का सम आप 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर पाएंगे। चीजें बहुत सिंपल है, समझते टाइम समझो, अप्लाई करते टाइम उतना ही दिमाग लगाओ जितना क्वेश्चन पूछा है। आ जाओ, सबसे पहले शॉर्ट सेल्स, स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालो, स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टर्नओवर, प्लीज पीरियड लिखना, प्लीज पीरियड लिखना। डिसलोकेशन पीरियड का लास्ट, डिसलोकेशन पीरियड का सेम पीरियड लास्ट ईयर का, 15 जून 2010 से लेकर 15 जून 2010 से लेकर 15 दिसंबर 2010 तक, करेस्पॉन्डिंग पीरियड, डिसलोकेशन का करेस्पॉन्डिंग पीरियड 2,40,000।
क्या इस साल भी इतना ही सेल्स होता कि कुछ ट्रेंड एक्सपेक्टेड था? सर एक्सपेक्टेड था क्या? 25% इंक्रीज एड, 25% अपवर्ड ट्रेंड, 25% अपवर्ड ट्रेंड। बता 240 का सेल्स अगर 25% से बढ़ता तो 60,000 का और सेल्स होता इस साल, और होता। टोटल सेल्स उस पीरियड में कितना होता? 3 लाख का। 3 लाख का टोटल सेल्स होना चाहिए था, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर डिसलोकेशन पीरियड, लेस एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल टर्नओवर। कब का? डिसलोकेशन पीरियड का। एक्चुअल टर्नओवर कब का? डिसलोकेशन पीरियड का। कितना दिया हुआ है? 70,000। क्या बच्चे? शॉर्ट सेल्स। क्या बच्चे? शॉर्ट सेल्स तुम्हारी दिमाग में बैठना शुरू हुआ, शॉर्ट सेल्स तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू हुआ। वेरी गुड यश जतिन, वेरी गुड। श्वेतम गायब हो गया क्या? श्वेतम गायब हो गया क्या? अरे भाई मेरे, समझते समय टाइम लगता है। एक मैं टीचर बन सकता हूं जो कुछ ना समझाए, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखवा दे, तुम बहुत खुश हो जाओगे क्लास में, बहुत दुखी हो जाओगे एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन आते ही। एक टीचर होता है जो क्लास में पूरा समय लेकर तुमको समझाता है, बहुत दुखी रहते हैं बच्चे उससे क्लास में, बट बहुत खुश होते हैं बच्चे जब एग्जाम का पेपर टेक्निकल आता है। मैं तुमको उसके लिए रेडी करना चाहता हूं मेरे बच्चे, टाइम लगेगा उसके लिए। 230 ठीक है। नंबर 2 जीपी मार्जिन फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये लास्ट ईयर का है, ऑफ लास्ट ईयर। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्लीज खोज खोज के लाओ ना, प्लीज खोज खोज के लाओ ना ये तीनों चीज, ये तीनों चीज खोज के लाओ ना। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर का, और सेल्स लास्ट ईयर का। सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सर दिया हुआ है 70,000, और सर लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ है 6 लाख। सर अब जीपी मार्जिन निकल जाएगा, जीपी मार्जिन निकल जाएगा 25%। सर ये लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन, क्या करंट ईयर के जीपी मार्जिन में कुछ इंक्रीज डिक्रीज बोला है कि सेल्स का प्राइस बढ़ा, कॉस्ट का प्राइस गिरा एक्सेट्रा? कुछ नहीं बोला है, क्योंकि कुछ नहीं बोला है, यही मेरे लिए एप्लीकेबल जीपी मार्जिन हो जाएगा, यही मेरे लिए एप्लीकेबल जीपी मार्जिन हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन बोलता ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट द जीपी मार्जिन ऑफ करंट ईयर शैल रिड्यूस बाई 2%, तो 25% माइनस 2% हो जाता 23%। बोलता ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस द जीपी मार्जिन शैल इंक्रीज बाय 5%, 25 + 5 = 30%। परसेंट पे अगर परसेंट ऐड करना होगा तो प्लीज वो एब्सोल्यूट एडिंग है, 25 - 2, 25 + 5, 23 या 30 होगा, उसको -2% मत कीजिएगा। यही मेरा एप्लीकेबल जीपी हो जाएगा। वेरी 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 गुड, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ जीपी के लिए कुछ बोला नहीं है। सर ट्रेंड 25% है, उसका क्या करेंगे? मैंने उससे ऑलरेडी सेल्स इंक्रीज कर दी है, अगर उससे जीपी भी इंक्रीज कर दूंगा तो एक ही ट्रेंड का डबल काउंटिंग हो जाएगा, वो नहीं कर सकता मैं। देयरफॉर आ जाओ फाइनल लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स इक्वल टू, शॉर्ट सेल्स कितना है? 230,000, उस पर जीपी कितना नुकसान हो गया? 25%। 230,000 का 25% 57,500,
2,30,000 का 25% 57,500। ओमकार बाद में समझाऊंगा सेविंग ऑफ इंश्योर्ड चार्जेस का क्या मतलब है, अभी नहीं, अभी मैं लास्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, सेविंग यहां पे इफेक्ट नहीं करेगा, किसी और जगह को इफेक्ट करेगा, बाद में समझाऊंगा। यश तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का आंसर भी निकाल दिया, कैसे पता नहीं, 57,500। अब देख ये चीज समझाने के लिए मेरे को लगा 1 घंटा 40 मिनट, शर्त लगा लो, शर्त आज अभी शर्त लगा रहा हूं, अभी तो 2-3 क्लास चलेगा, शर्त लगा लो, तुम जब ये चीज कैलकुलेट करोगे ना एग्जाम में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट, ये पूरा कैलकुलेशन 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, समझाने में 1 घंटा 40 मिनट, करने का 5 मिनट, करना काम बहुत सिंपल है, समझाने में एक एक बात बताना पड़ता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ताकि तुम लॉजिक कनेक्ट करके कभी भूल भी जाओ तो खुद से आंसर निकाल सको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर है। अभी ये क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्वेश्चन अब मेरा स्टेप टू के साथ आगे बढ़ेगा, स्टेप टू, और सुनो ये स्टेप टू मेरे पढ़ाई का स्टेप टू है, मेरे पढ़ाई का स्टेप टू है, यानी पॉइंट नंबर एफ का स्टेप टू, पॉइंट नंबर एफ का स्टेप टू, उसको मैं पढ़ाऊंगा भी और साथ साथ तुमको करना भी सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी साथ साथ करना भी सिखाऊंगा, पहले समझना है क्या है स्टेप टू। शिवम मैंने बोला ना कुछ चीजें यूज नहीं करनी है, मैंने कितनी चीजें यूज करने बोली थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 चीजें, बाद बाकी को तुमको अभी दिमाग नहीं लगाना है, पहले तुमको जितना सिखाया उतना करवाया, अब आगे सिखा रहा हूं देखो क्या काम आएगा। सुनो, एडिशनल एक्सपेंडिचर, इनकर्ड ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, इनकर्ड ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड टू कंटिन्यू बिजनेस, यस 3 लाख एस्टिमेटेड सेल्स है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो मल्लिका, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, 3 लाख एस्टिमेटेड सेल्स फॉर डिसलोकेशन पीरियड है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब स्टेप टू, एडिशनल एक्सपेंडिचर, ध्यान से मेरी बात सुनना, डिसलोकेशन हो जाने के बाद बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाता है कुछ पीरियड के लिए, उस पीरियड में अगर जैसा नॉर्मल हमारा पहले काम चल रहा था उसी तरीके से काम चलाने की कोशिश करे, उसी खर्चे में काम चलाने की कोशिश करे तो थोड़ी दिक्कतें होती है, उसके लिए बहुत बार जो बिजनेस एंटिटी है उसको एडिशनल खर्चा करना पड़ता है ताकि वो बिजनेस को स्मूथली चला सके ड्यूरिंग डिसलोकेशन। दिन खराब है बट दिन को सही करने के लिए, दिन को सही जगह पे ले जाने के लिए कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करती है बिजनेस एंटिटी ताकि बिजनेस को थोड़ा स्मूथली रन किया जा सके, जैसे एक टेम्पोररी वेयरहाउस भाड़े पर ले लेना, 1 या 2 नए टेम्पोररी स्टाफ रख लेना ताकि हम लोग काम कर सके उस डिसलोकेशन पीरियड में, कुछ एक्स्ट्रा लोन ले लेना, बैंक कोडी की फैसिलिटी ले लेना उस पीरियड के लिए ताकि उस पीरियड में अगर फंड चाहिए तो हम फंड्स इजीली लाके अपना बिजनेस को सीमलेसली कैरी ऑन कर सके। इंश्योरेंस कंपनी बोला ये जो एडिशनल खर्चे आपके लग रहे हैं, एडिशनल खर्चे टू रन द बिजनेस ड्यूरिंग दैट डिसलोकेशन पीरियड, हम उसको भी कवर करेंगे। हमने बोला जितना खर्चा लगेगा पूरा दोगे, बोला नहीं, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर दिस विल बी एडमिसिबल, आप लिख सकते हो मेरे साथ, लोअर ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट्स
ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हमको कितना अलाउ होगा उसके लिए हमें ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और कैलकुलेशन क्यों करने पड़ रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले मैं समझा रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी आपको किस तरीके से इसका लॉस कैलकुलेट करने देगा। इंश्योरेंस कंपनी बोला कुछ खर्चा लग रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, ये खर्चा हम कवर करेंगे, चिंता मत करो, मैंने पहले ही बता दिया था लॉस ऑफ जीपी एडिशनल एक्सपेंडिचर। बट ये खर्चा कितना कवर करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको तीन कैलकुलेशन करना होगा, इन तीनों में जो लोएस्ट होगा उसका तुमको क्लेम मिलेगा, उससे ज्यादा का तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। हमने बोला क्या क्या, बोला नंबर वन एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो तुम्हारा एक्चुअल खर्चा लगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर लगा ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, जो एक्चुअल खर्चा लगा सबसे पहले वो बताओ। हमने बोला, अब मैं सम्स देख रहा हूं वापस, हमने बोला हम लोगों को बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर लगा 12,000 रुपए का, कितने रुपए का 12,000 का, सबसे पहला अमाउंट आ गया, सबसे पहला अमाउंट आ गया 12,000, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी को इसका सबूत चाहिए, आप इसके लिए वाउचर्स लाके, आप इसके लिए खर्चे का इनवॉइसेस लाके प्रेजेंट करोगे, जैसे नई जगह भाड़े पर ली तो उसका रेंट रिसीट लाके दोगे इंश्योरेंस कंपनी को, देखिए ये खर्चा लगा, नए आदमी को सैलरी दिया तो उसके सैलरी पेमेंट का वाउचर और उसके सैलरी पेमेंट का जो एक्नॉलेजमेंट है, जो फाइनल पेमेंट कैसे किया उसका तुम लाके इंश्योरेंस कंपनी को दिखाओगे। तुमको सबसे पहले बताना पड़ेगा एक्चुअल में कितना एडिशनल खर्चा लगा बिजनेस चलाने के लिए, सबसे पहला। नंबर बी, अगर इंश्योरेंस कंपनी इसी खर्चे के हिसाब से क्लेम दे देती तो इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो जाती हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। क्यों? हम लोग जानते हैं कि यार अगर हमें क्लेम ज्यादा लेना है तो लॉस ज्यादा दिखाना है, लॉस ज्यादा दिखाना है तो एक काम करते हैं ना, फर्जी 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 इनवॉइसेस ले लेते हैं। हम लोग चार जन का सैलरी दिखा देते हैं, उनको बैंक से सैलरी पे करके कैश से पैसा वापस ले लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को चार टो पेमेंट दिखा के ले लेते हैं। हम लोग एडिशनल जो रेंट का जगह लिए हैं, लिए 30,000 में है, रेंट आदमी को बोलते हैं लैंडलॉर्ड को बिल 50,000 का बना के दो, इंश्योरेंस कंपनी से लेके हम लोग भुगतान कर लेंगे। तो हुआ क्या, जब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, लोग ये फर्जी इनवॉइसेस लाके झूठे मूठे खर्चे दिखा के एक्स्ट्रा क्लेम लेने की कोशिश करते थे। तो इंश्योरेंस कंपनी को जरूरत थी एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो उसका ये खर्चा, बेकार का खर्चा बचा सके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, किसको बुलाया, मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला यार अविनाश इसका कोई तोड़ निकालो, क्योंकि जब मैं बोलती हूं मैं एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम दूंगी, लोग झूठे झूठे इनवॉइसेस मेरे ऊपर रेस करके बोलते हैं ये खर्चा लगा, ये खर्चा लगा, ये खर्चा लगा, हमें क्लेम दीजिए। तो मैंने बोला टेंशन नको, आमी एस चीतो, आमी शॉप करिए देवो। बोला कैसे अविनाश, कैसे इसका तोड़ निकालोगे? मैंने पूछा ये एडिशनल एक्सपेंडिचर कर क्यों रहे? बोला ताकि बिजनेस कंटिन्यू हो सके। ओके, बिजनेस कंटिन्यू हो सके, बिजनेस कंटिन्यू होने का मतलब बिजनेस में जो कामकाज, जो सेल्स वगैरह है वो हो सके, इसीलिए एडिशनल एक्सपेंडिचर किया। बोला हाँ। तो बोला मतलब अगर एडिशनल खर्चा है तो एडिशनल सेल्स भी होना चाहिए, अगर एडिशनल सेल्स नहीं है और बेकार का खर्चा कर रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो बिना सेल्स के खर्चा करे बेकार का। तो आप इन लोगों से पूछो कि ये एडिशनल एक्सपेंडिचर करने के कारण इन्होंने कितना सेल्स अचीव किया है, वो बताएंगे आपको कितना सेल्स अचीव किया है। अगर बोले कुछ सेल्स अचीव नहीं किया है, बोल दो ये खर्चा झूठा है, मत दो इनको। बट अगर वो बोल रहे हैं हां एडिशनल सेल्स अचीव किया है, तब वो खर्चा झूठा नहीं है, तब आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उनसे पूछो ये जो एडिशनल सेल्स किया है इस पर कितना जीपी अर्न किया। वो बोला सर हमने 50,000 का एडिशनल सेल्स किया, 30% का जीपी अर्न किया, 15,000 कमाया। 12,000 का खर्चा करके 15,000 कमाया, मतलब सर ये झूठा नहीं होना चाहिए, मतलब एक प्रूफ मिल रहा है कि ये जो एडिशनल खर्चा हो रहा है क्या ये जस्टिफिएबल है या नहीं। अगर जस्टिफिएबल नहीं है तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, जस्टिफिएबल है तो खर्चा अलाउ होगा। और जस्टिफिकेशन के लिए पॉइंट नंबर बी देखा जाएगा। पॉइंट नंबर बी क्या, ध्यान से सुनना, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर,
खर्चा किए हैं बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। अगर बिजनेस चल रहा है तो सेल्स होना चाहिए, सेल्स होना है, सेल्स हुआ है तो जीपी होगा उस पर। तुम बताओ तुम ये एडिशनल खर्चा करके कितना कमाई तुम्हारे घर पे आया, अगर वो कमाई जस्टिफिएबल है तो हम खर्चा का क्लेम देंगे, नहीं है तो फिर हम पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम लोअर ऑफ द थ्री अमाउंट देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ वापस। क्वेश्चन क्या बोला कि अगर 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 कुछ नहीं करते तो कुछ सेल्स करना पॉसिबल नहीं था, मतलब ये 12,000 का खर्चा करके हमने कुछ सेल्स एडिशनल की कितनी? सर हमारा डिसलोकेशन पीरियड में सेल्स हुआ है 70,000, अगर खर्चा नहीं होता तो सर कुछ भी सेल्स नहीं होता, तो एडिशनल सेल्स कितना है? एडिशनल सेल्स है हमारा 70,000 माइनस जीरो, क्योंकि बोला अगर अगर बिजनेस का डिसलोकेशन हुआ है इट इज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स, बट हमने एडिशनल खर्चा करके कुछ सेल्स जनरेट किया है, अगर मैं खर्चा नहीं करता सेल्स जीरो होता, मैंने खर्चा किया तो सेल्स आया 70,000, तो कितना एडिशनल सेल्स है 70,000 रुपए का। इस पर हमारा जीपी मार्जिन क्या है? सर हमारा जीपी मार्जिन है 25% मल्टीप्लाइड बाई 25%, 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% इंटू 25% 17,500। क्या आपको जस्टिफिएबल लग रहा है? प्लीज इस बात से जस्टिफिएबल मत देखो कि नॉर्मल में इतना ही कमाई होता है क्या, अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं चल रहा है, अभी मैं देखना चाहता हूं कहीं वो बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। मान लो यह खर्चा वो दिखाता लाख रुपया और लाख रुपया खर्चा करके उसके घर में आ रहा है 17,500, ऐसा बेवकूफ आदमी बिजनेस कर कैसे रहा है? एक तो हालत खराब है, आग लगी हुई है, बिजनेस डिस्टर्ब्ड है, ऊपर से खर्चा पे खर्चा कर रहा है और सेल्स हो ही नहीं रहा है, उस खर्चे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उस केस में मैं फिर लाख रुपया अलाउ ही नहीं करता, मैं मैक्सिमम अलाउ करता तो 17,500, मैं उससे ज्यादा खर्चा अलाउ नहीं करता। सर 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 आप सीए हैं? हम सीए पढ़ रहे हैं सर, हमारे दिमाग में एक डाउट है और हम आपको तोड़ देंगे। बोला क्या? सर मान लो उसने सेल्स ज्यादा दिखा दी तो? सर मान लो उसने दिखा दिया एडिशनल सेल्स 70,000 नहीं 2,00,000 हुआ है, मान लो सर उसने दिखा दिया 5,00,000 हुआ है, तो 5,00,000 का 25% 1,25,000 और एडिशनल खर्चा दिखा दिया 1,00,000 जो कि एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, तो सर उसको 1,00,000 का क्लेम मिल जाएगा। मेरे बच्चे जितना एडिशनल सेल्स दिखाओगे उतना यहां पे शॉर्ट सेल्स, उतना यहां पे शॉर्ट सेल्स कम होते जाएगा, शॉर्ट सेल्स कम होगा तो ये जो नुकसान का अमाउंट है ये कम होते जाएगा। तुम कुछ भी कर लो इधर से या उधर से, तुम अगर सेल्स बढ़ाने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट सेल्स कम हो जाएगा, और तुम अगर सेल्स नहीं बढ़ाओगे तो तुम एडिशनल खर्चा बेकार का इनवॉइस जितना भी दिखाओ हम जीपी से ज्यादा तुमको क्लेम नहीं देंगे। पहले बताइए बच्चों, ये दो स्टेप्स आपको क्लियर हुए? मैं धीरे धीरे उस क्वेश्चन को आगे पढ़ते जा रहा हूं और साथ साथ आपको सिखाते जा रहा हूं करना क्या है। एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम मिलेगा लोअर ऑफ दी थ्री अमाउंट्स, पहला एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ 12,000, दूसरा जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर आपने क्यों किया? बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, बिजनेस कंटिन्यू मतलब कुछ तो सेल्स हुआ होगा, आप बताओ इस खर्चे के कारण कितना सेल्स हुआ है, उसके ऊपर जो जीपी है वो आपका मैक्सिमम अमाउंट हम अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। सर 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 मान लो बोलता कि इस खर्चे के कारण सेल्स कुछ एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं तो आपको फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम नहीं मिलेगा, आप नहीं भी करते तो आपका काम चल जाता, आप अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं भी करते तो भी तो सेल जीरो होता, क्यों आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर किया? मेरे को बताओ रे, बताओ बताओ, आप लोग एकदम शांत पड़ गए, आप लोग एकदम शांत पड़ गए, डरिए मत। मैंने बोला ना जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आई एम श्योर एक भी बच्चा एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा, आप अभी समझने की कोशिश कीजिए, यह सब सिर्फ लिख देना और आपको बोल देना ऐसे 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 होगा यह सही नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। अकाउंट्स का क्लास में जब सम्स होता है तब सब बच्चा एकदम फटाफट, हां सर ये होगा ये होगा ये होगा, और जब डिस्कशन होता है तो बच्चा एकदम लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। शिवम बोल रहा है सर ये माइनस जीरो क्यों किया? माइनस जीरो बच्चे तुमको समझाने के लिए किया। क्वेश्चन ने बोला कि ऐसा हाल हो गया बिजनेस का कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स, कोई सेल करना पॉसिबल नहीं है। आगे बोला
कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 टू मेक दी सेल्स पॉसिबल। अगर ये खर्चा हमने किया है तभी जाके वो 70,000 का सेल्स हुआ है, अदरवाइज वो सेल्स होता नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता तो सेल्स 20,000 होता, तब फिर मैं एडिशनल सेल्स कितना बोलूंगा, 70,000 माइनस 20,000, 50,000 एडिशनल सेल्स। रेट 25%, जीपी का रेट ऊपर से आ गया दीदी, ये रहा 25%। बार बार अलग अलग जीपी रेट कैलकुलेट नहीं होगा, यही 25% मैंने यूज कर लिया यहां पे। वापस वापस सुनो सुनो सुनो, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर का पहले इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो। हमने ये जो खर्चा किया है 12,000 का, क्यों किया, ताकि बिजनेस कंटिन्यू हो सके, सेल्स कर सके। तो इस खर्चे के कारण सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, इस खर्चे के कारण सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, उस पर जीपी कितना है। अब इस खर्चे के कारण सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, मेरा डिसलोकेशन पीरियड में सेल्स हुआ 70,000। मैंने उससे पूछा अगर मान ले ये खर्चा नहीं होता, ये खर्चा नहीं होता तो तुम सेल्स कितना कर पाता, बोला सर पॉसिबल ही नहीं होता कुछ करना, सर हमने एडिशनल वेयर हाउस वगैरह लिए तभी जाके सर काम चला, नहीं तो काम बंद था सर। तो मैंने बोला ओके ये खर्चा हुआ तभी जाके 70,000 का सेल्स अचीव हुआ, 70,000 × 25% तुम्हारा प्रॉफिट, इस खर्चा करने के कारण तुम्हारा प्रॉफिट 17,500 बच गया, तो ये खर्चा जस्टिफिएबल है, हम इसका क्लेम दे सकते हैं तुमको। पायल आदिति क्लियर है क्या, पायल आदिति क्लियर है क्या, बस कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। एंड नंबर सी, फटाफट बताओ क्लियर है क्या, तब मैं आगे बढ़ूं। नंबर सी सुनना ध्यान से, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, अब मैं चाहता हूं सारे बच्चों का यहां ध्यान आए। प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये तीसरा। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। हमने बोला जब हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की, हमें उसमें खर्चे कवर कराने होंगे। कौन कौन सा खर्चा, कौन कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप कवर कराना चाहते हो। अगर आपने सारा खर्चा, सारा टाइप का खर्चा कवर कराया तो फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा आपको अलाउ हो जाएगा, जो 12,000 है अलाउ हो जाएगा। बट अगर आपने कुछ टाइप के खर्चे इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं ले रखे हैं तो जब आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम मिलेगा ना, आपको उतना ही पोर्शन का मिलेगा, आपको उतना ही पोर्शन का मिलेगा जितना आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्चों को कवर कराया है। मतलब सुनना ध्यान से, प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, वर्ड्स से मत डरना, डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आपको ना इतना कवरेज करवाना चाहिए था, इतना कवरेज करवाना चाहिए था आपको। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो फिक्स एक्सपेंसेस आपने अनइंश्योर्ड करवाए वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपने इतना करवाया। जीपी क्या था, नेट प्रॉफिट
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, आपने इतना इंश्योरेंस कराया क्योंकि आपने पार्ट इंश्योरेंस करवाया है खर्चों का, खर्चों का, तो आपको जब एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम मिलेगा ना, वो भी पार्ट क्लेम मिलेगा, पूरे एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम अलाउ नहीं करेंगे। तीसरा वाला में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यानी आपने पूरी तरीके से चीजों को इंश्योर नहीं करवाया, उसके कारण आपके एक्सपेंडिचर के क्लेम को कम करने की कोशिश की है। पहला वाला क्या था, जितना खर्चा हुआ है पूरा अलाउ करेंगे। दूसरा वाला क्या बोला, इस खर्चे के कारण जस्टिफिएबल बेनिफिट होना जरूरी है, अगर जस्टिफिएबल बेनिफिट है पूरा अलाउ करूंगा, नहीं है तो जितना बेनिफिट उतना ही अलाउ करूंगा। तीसरा, अगर आपने कुछ खर्चे अनइंश्योर्ड करवा के रखे हैं, अनइंश्योर्ड, कुछ खर्चे जो फिक्स्ड नेचर के थे आपने उनको इंश्योर नहीं करवाया है, तो आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। एडिशनल एक्सपेंडिचर में बहुत सारे टाइप के खर्चे हो सकते हैं, उसमें वो भी खर्चे हो सकते हैं जो अनइंश्योर्ड नेचर के हैं, तो आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर का जो क्लेम मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा, वो पूरे खर्चे का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। और ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। पहला मिला था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स, जीपी मार्जिन का। दूसरा फॉर्मूला एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ऑटो स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। सर इसको निकालते कैसे है वो तो समझाओ, सुनना ध्यान से। नोट, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैं एनुअल टर्नओवर देखूंगा। एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर, टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रसीडिंग, इमीडिएटली प्रसीडिंग डेट ऑफ फायर, इमीडिएटली प्रसीडिंग डेट ऑफ फायर। टर्न ओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रसीडिंग डेट ऑफ फायर। हमारे क्वेश्चन में आग कब लगा? 15 जून 2011। 15 जून 2011 से पहले इमीडिएटली प्रसीडिंग एक साल, यानी 15 जून 2010 से लेकर 14 जून 2011 या 15 जून 2011 तक के सेल्स को हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं? एनुअल टर्नओवर। इसके ऊपर अगर हम लोग ट्रेंड एडजस्ट कर दे, ट्रेंड एडजस्ट कर दे, ये तो एनुअल टर्नओवर हो गया जो आग से पहले 12 महीने का टर्नओवर है। इसके बाद ये तो हमारा सेल्स हो गया जो एक्चुअल में हुआ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे सेल्स इस साल बढ़ना चाहिए था, तो अगर मैं ट्रेंड एडजस्टमेंट इसमें ऐड या लेस कर दूं, ऐड या लेस, अगर सेल्स ट्रेंड, सेल्स बढ़ने वाला था तो ट्रेंड ऐड, सेल्स गिरने वाला है तो ट्रेंड माइनस, ये निकल जाता है मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एक बार एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकल गया, उसका जीपी मल्टीप्लाई करके हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर इंश्योर्ड पोर्शन से रिलेटेड है, उसी का इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगा, पूरे एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम नहीं देगा। इसका लॉजिक समझो। विनीत बोल रहा है एवरेज क्लॉज जैसे, एक टाइप एवरेज क्लॉज जैसे, विनीत सही बोल रहे हो आप। हम लोगों को सारे खर्चे इंश्योर करवाने चाहिए थे, हमने कुछ ही फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंश्योर करवाए हैं, हमारा जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें बहुत टाइप के खर्चे हैं। इंश्योरेंस कंपनी बोला पूरे एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम तभी मिलेगा जब तुमने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर कराए हो, अगर कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस अनइंश्योर्ड है ना, तो हम उस प्रोपोर्शन में तुमको एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम नहीं देंगे, तुमको उतने ही पोर्शन का एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम मिलेगा जितना पोर्शन खर्चा इंश्योर्ड है, जो इंश्योर्ड नहीं है उस पोर्शन का एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम नहीं मिलेगा। सर 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 ये वाला कैलकुलेशन एक बार बताओ ना कैसे होगा, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इधर आओ समझो। इधर यहां पे आपको दिया हुआ है टर्नओवर फॉर वन ईयर 16 जून 2010 से 15 जून 2011, 15 जून 2011 से इमीडिएटली प्रेसिडिंग वन ईयर, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं? एनुअल टर्नओवर। दोनों चीज अलग है,
टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर एनुअल वाला, दोनों अलग है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब इस साल से पहले का टर्नओवर, इस साल से पहले वाले साल का टर्नओवर, और एनुअल टर्नओवर मतलब डेट ऑफ फायर से पहले एक साल का टर्नओवर। इस डेट ऑफ फायर से एक साल के टर्नओवर में कुछ इस साल का सेल्स भी इंक्लूडेड है और कुछ लास्ट ईयर का सेल्स भी इंक्लूडेड है। मेरे को एनुअल टर्नओवर दे दिया 5,60,000, आग लगने से बिल्कुल एक साल पहले का टर्नओवर, तो मैं यहां लिखूंगा 5,60,000। मेरे को पता था इस साल सेल्स बढ़ेगा 25% से, ऐड कर दूंगा 25%। 5,60,000 का 25% होता है 1,40,000। मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पता है कितना आ गया? 7,00,000। मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना आ गया? 7,00,000। आग जिस दिन लगी उससे एक साल पहले का टर्नओवर कितना? 5,60,000। उस पे ट्रेंड एडजस्ट करके सेल्स आया 1,40,000 और, तो इस साल का सेल्स कितना होना चाहिए था? 7,00,000। ये मेरा निकल गया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, एक बार डाउट अपने अंदर रखो, सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ये जीपी और ऑटो का क्या फायदा है, 5 मिनट बाद आएगा, पहले समझने की कोशिश करो मैं कर क्या रहा हूं। 5,60,000 डेट ऑफ फायर से बिल्कुल एक साल पहले का सेल्स, इसके ऊपर ट्रेंड एडजस्ट किया 25%, तो मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गया 7,00,000 रुपया। सर देखो अप्लाई कैसे करते हैं, पहले एप्लीकेशन सिखाता हूं। इक्वल टू एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 प्लस जीपी ऑन ऑटो, ऑटो है 7,00,000, जीपी का परसेंटेज क्या था रे हमारा 25%, डिवाइडेड बाय ये हमने कवर करा रखा है, जीपी में नेट प्रॉफिट और इंश्योर चार्जेस ये कवर करवा रखा है, डिवाइडेड बाई जीपी ऑन ऑटो 7,00,000 × 25% प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस। हमारे क्वेश्चन में टोटल स्टैंडिंग चार्जेस था 1,20,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस था 1,20,000, जिसमें इंश्योरेंस करवा रखा है 70,000 का, तो अनइंश्योर्ड चार्जेस कितना था? 50,000, अनइंश्योर्ड चार्जेस 50,000। अब अगर मैं इसका प्रोपोर्शन अमाउंट निकाल लूं, इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लूं, तो पता है कितना निकलेगा? 7,00,000 × 25% 175, तो 12,000 × 175 डिवाइडेड बाई 225 मेरा निकल गया 9,333। इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है क्योंकि आपने कुछ पार्ट ऑफ खर्चे इंश्योर नहीं करवाए हमसे, हम एडिशनल एक्सपेंडिचर से भी प्रोपोर्शनेटली वो पार्ट हटा देंगे और उतने ही पार्ट का आपको क्लेम मिलना चाहिए जितने पार्ट का आपने इंश्योरेंस करवाया है। आपने इंश्योरेंस जो करवाया है वो जीपी के अंदर इंक्लूडेड है, नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी, उतने पोर्शन का कवर मिलेगा, पूरे पोर्शन का कवर नहीं मिलेगा। विनीत बोल रहा था सर एवरेज क्लॉज जैसा लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस करवाया है खर्चे का, तो क्लेम भी प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर का मिलेगा, पूरे एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम नहीं मिलेगा। और इस पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ एक नया चीज कैलकुलेट करना है, एनुअल टर्नओवर और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब समझने की कोशिश करना और मैं समझाऊंगा ये एक्चुअली है क्या। एनुअल टर्नओवर है आग लगने से इमीडिएटली 12 महीने पहले का टर्नओवर, आग लगने से इमीडिएटली 12 महीने पहले का टर्नओवर। एक्चुअल में पता है ये है क्या? ये है एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द करेंट ईयर। क्या है? एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द करेंट ईयर। कैसे है 2 मिनट बाद समझाऊंगा, बट ये जब निकलेगा तो निकलेगा एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द करेंट ईयर। हमने एक्सपेक्ट किया था इतना सेल्स होगा, इनटू जीपी परसेंटेज इतना प्रॉफिट हम एक्सपेक्टेड कमाएंगे। तुमने कुछ खर्चे इंश्योर नहीं करवाए उसको हटा दो, कुछ खर्चे इंश्योर नहीं करवाए उसको हटा दो, बैलेंस खर्चे का इंश्योरेंस तुमको मिलेगा, क्लेम तुमको मिलेगा। अब इन तीनों में लोअर कौन है? देखो 12,000, 17,500 या 9,333। लोअर कौन है? 9,333। तो मैक्सिमम क्लेम आपको मिलेगा 9,333, उससे ज्यादा क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो दो जगह आपका जो चोरी करने का जगह था, पहला खर्चों को इंश्योर ना करवाना प्रीमियम कम करने के लिए, उसमें भी आपको मार पड़ गया। दूसरा, आप खर्चे एक्स्ट्रा दिखा रहे हो, बट क्या एक्स्ट्रा खर्चे दिखाने से एक्स्ट्रा सेल्स हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो मार पड़ेगा, अगर हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का लोअर है 9,333, तो मैक्सिमम आपको क्लेम मिलेगा 9,333, उससे ज्यादा एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम नहीं मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं therefore मैक्सिमम एडमिसिबल
एडिशनल एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू रुपीज 9,333। 9,333, बाप रे बाप भैया, ये क्या है? ये 25% ऐड क्यों किया? इस कारण से किया मेरे बच्चे, ट्रेंड एडजस्टमेंट। एनुअल टर्नओवर हो गया आग लगने से पहले का, आग लगने से पहले के सेल्स में तो लास्ट ईयर का सेल्स भी आएगा। अब लास्ट ईयर का सेल्स को अगर करंट ईयर का बनाना है तो ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें एक डाउट देखो क्या होना चाहिए। वेरी गुड ओमकार, ओमकार को मैं 200 का एक कैश रिवॉर्ड दूंगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जो उसने डाउट रेस किया है। ये डाउट जो रेस किया है ओमकार ने, इसके लिए मैं उसको 200 का कैश रिवॉर्ड दूंगा। ओमकार ने बोला सर 25% तो सिर्फ करंट ईयर का है, पर पीरियड में तो प्रीवियस ईयर का भी मंथ है। ओमकार सिर्फ तो ऐसे बोलता ना सर, 25% तो प्रीवियस ईयर के सेल्स में ऐड होना चाहिए था, करंट ईयर के सेल्स में ट्रेंड क्यों एडजस्ट कर रहे हो? मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सुनो, ओमकार को मैं सिर्फ डाउट सही पूछने के लिए रिवॉर्ड दे रहा हूं। जिसका डाउट अच्छा होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये हमारा पीरियड क्या है, ये हमारा पीरियड मान लो जनवरी टू दिसंबर ले रहा हूं, 1/1/2011, 31 दिसंबर 2011, 1/1/2010, 31 दिसंबर 2010। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आग लगी कब? आग लगी 15 जून को। डिसलोकेशन कब तक रहा? 15 दिसंबर तक। ठीक है, ये हो गया डिसलोकेशन पीरियड। इस पीरियड का शॉर्ट सेल्स हमने कर लिया कैलकुलेट, जीपी भी निकाल लिया। अब इस पीरियड के एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम मांगने जा रहे हैं। ठीक है, पहला तो जो खर्चा लगा वो बता दो, दूसरा उस खर्चे के कारण जो सेल्स तुम अचीव कर पाए उसका जो जीपी है वो बता दो, तीसरा एडिशनल एक्सपेंडिचर। एडिशनल एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरा प्रोपोर्शनेट खर्चे में हम लोग बोल रहे हैं कि जितना पोर्शन ऑफ खर्चा तुम्हारा इंश्योर्ड है उतना ही एडिशनल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा। हमने किया एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो बाई जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस, तो जितना अनइंश्योर्ड चार्जेस है उसका क्लेम नहीं मिलेगा, जितना इंश्योर्ड है उतने का ही मिलेगा। यह टोटल होना चाहिए था, ये टोटल होना चाहिए था, तुमने इतना ही करवाया तो तुमको इतना ही चार्जेस का प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा, पूरे का नहीं मिलेगा। बच्चे का क्वेश्चन नंबर 1, सर पहले एनुअल टर्नओवर क्या होता है? एनुअल टर्नओवर होता है आग लगने से पहले 12 महीने का पीरियड। ये रहा, ये आग लगने से पहले 12 महीने का पीरियड, एग्जैक्टली 12 महीने का पीरियड। सर ये हम लोग क्यों ले रहे हैं? ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं, ये हम लोग को आगे काम आएगा, जब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे ना ये वापस काम आएगा। हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि अगर मेरा करेंट ईयर का सेल्स, करेंट ईयर के सेल्स के हिसाब से मैं अगर इसको कैलकुलेट करता तो कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर, मैं पॉलिसी करेंट ईयर की लिया हूं, अगर पॉलिसी करेंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको जो कंपेयर करेंगे कि आपने सही से इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया, वो भी करेंट ईयर के सेल्स के करेंगे। ये वाला जो पीरियड का सेल्स है ना, ये वाला जो पीरियड का सेल्स है ये तो ऑलरेडी करेंट ईयर का है, बट ये वाला जो पीरियड का सेल्स है ना, ये वाला लास्ट ईयर का पीरियड है। रियल में बताऊं पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड एडजस्ट नहीं होता है, एनुअल टर्नओवर का उस पार्ट पे ट्रेंड एडजस्ट होता है जो लास्ट ईयर से है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर के सेल्स में क्या चेंज है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये सेल्स तो ऑलरेडी करंट ईयर का है, इस पर ट्रेंड एडजस्ट क्यों करोगे? अगर मैं इसके ऊपर ट्रेंड एडजस्ट कर दूंगा, इसके ऊपर ट्रेंड एडजस्ट कर दूंगा तो पता है मेरे को क्या मिल जाएगा? इस साल इस पीरियड में कितना सेल्स होने वाला था, इस साल इस पीरियड में कितना सेल्स होने वाला था, तो मतलब तुमको पता है क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है इस साल टोटल सेल्स कितना होता, इस साल टोटल सेल्स। देख मैं क्या मार्क कर रहा हूं,
इस साल टोटल सेल्स कितना होता, अगर इस साल का टोटल सेल्स इतना होता तो इसके ऊपर तुमको इंश्योरेंस लेनी चाहिए थी। अगर इसके ऊपर इंश्योरेंस लेके पॉलिसी वैल्यू लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे कम लिया है तो एवरेज क्लॉज लगा देंगे। और यही है जीपी ऑन ऑटो का सिग्निफिकेंस। जीपी ऑन ऑटो का मतलब होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमा लेते, क्या आपने उतना इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया। ऑटो क्या होता है, एनुअल टर्नओवर, उसके ऊपर ट्रेंड एडजस्ट करेंगे। जब मैं ट्रेंड एडजस्ट करूंगा ना, अभी तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा एनुअल टर्नओवर के ऊपर ट्रेंड एडजस्ट सीधा कर दो, बट रियल में पूरा ट्रेंड एडजस्ट नहीं होता। एनुअल टर्नओवर में दो पार्ट हो सकता है, एक करंट ईयर का पार्ट जिसमें ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड है, क्योंकि ट्रेंड का मतलब क्या है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का सेल्स कितना होता। एक लास्ट ईयर का पार्ट, जो लास्ट ईयर का पार्ट है उससे मेरे को ट्रेंड एडजस्ट करना होगा ताकि मैं इस पीरियड का सेल्स कैलकुलेट कर सकूं। और एक बार इस पीरियड का सेल्स निकल गया तो मेरे टोटल पीरियड का सेल्स आ जाएगा, और टोटल पीरियड का सेल्स इज एक्चुअली जो सेल्स इस साल होने वाला था जिसके लिए तुमने इंश्योरेंस ले रखी है। तो एनुअल टर्नओवर लेने का कारण यह है कि आप यह डिटरमाइन कर सको कि जिस साल की आपने पॉलिसी ले रखी है, जिस साल आप क्लेम मांगने जा रहे हो, क्या उस साल आपने पॉलिसी एडिक्वेट ली है या नहीं। एडिक्वेट ली है तो वेरी गुड, नहीं ली है तो आपको क्लेम एवरेज क्लॉज के हिसाब से मिलेगा, और एडिशनल एक्सपेंडिचर का भी क्लेम आपको एवरेज मिलेगा, पूरा का पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। अगर कुछ खर्चा अनइंश्योर्ड है तो उस अनइंश्योर्ड का आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। अब ओमकार तेरा डाउट क्लियर हुआ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डाउट बढ़ गया है, सर आप क्या सब बोले, हम लोगों को तो एकदम ऊपर से चला गया। मेरे बच्चे जो दो चीजें होती है, एक वेट करना, पेशेंस रखना, खुद से ट्राई करना, दूसरा क्वेश्चन करते करते चीजों को समझना। अभी मैंने सिर्फ समझाया, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, जब क्वेश्चन कराऊंगा सब अंदर चला जाएगा। बताइए हम लोग एनुअल टर्नओवर क्यों ले रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन क्लियर हुआ। एनुअल टर्नओवर जिस दिन आग लगा उससे पहले वाला 12 महीना, उसमें कुछ करंट ईयर का पीरियड है, कुछ लास्ट ईयर का। अगर लास्ट ईयर के पीरियड से ट्रेंड एडजस्ट कर दूं तो मेरे को इस साल का टोटल सेल्स मिल जाएगा, इसके ऊपर मेरे को इंश्योरेंस लेनी चाहिए थी। अगर उतनी इंश्योरेंस ली है सही से तो ठीक, नहीं ली है तो एवरेज क्लॉज लगा देना। मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये मेरे काम का नहीं है, अभी मैं सिर्फ तुमको कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तुम कैलकुलेशन सीख जाओ, फिर मैं खुद रिपीट करूंगा। इस क्वेश्चन में आओ, पहले एक एक चीज निकालना सीखते हैं। मेरे को तीन चीज चाहिए, एडिशनल एक्सपेंस, जीपी ऑन ऑटो, जीपी ऑन ऑटो, अनइंश्योर्ड चार्जेस। ठीक है, हड़बड़ी मत करो। एडिशनल एक्सपेंस 12,000, क्या सारे बच्चों को मिल गया? एडिशनल एक्सपेंस 12,000, क्या सारे बच्चों को मिल गया? हाँ सर, ये 12,000 एडिशनल एक्सपेंस दिया हुआ था और सर हमने यहां पर भी लिया था, तो सर ये 12,000 बिल्कुल ठीक है। ठीक है हर्ष, मैंने पूरा 25% इसलिए लिया है क्योंकि इस सम में वो बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। इस सम में क्या आप इस पीरियड की सेल्स को और इस पीरियड की सेल्स को अलग कर पाएंगे? अगर आप अलग कर पाएंगे तो कीजिए, तब हमारा आंसर आ जाएगा। वो अलग करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पूरे पर लेना पड़ा। मैंने बोला ना, एक बार मैंने तुमको उतना ही सिखाया समझाया जितना मेरे को इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। धीरे धीरे नोट लिखवाऊंगा इसके बाद तो तुमको अगले क्वेश्चन में भी समझ में आएगा हमने क्यों किया। अब 12,000 ये हो गया। अब मेरे को चाहिए जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जीपी चाहिए। जीपी 25% ऑलरेडी निकला हुआ है, सबको पता है। अब चाहिए एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है? एनुअल टर्नओवर के ऊपर ट्रेंड एडजस्ट करके कितना इस साल का एक्सपेक्टेड मेरा सेल्स होता, कितना इस साल का एक्सपेक्टेड मेरा सेल्स होता। एनुअल टर्नओवर होता है डेट ऑफ फायर से प्रीसीडिंग 12 महीने का सेल्स, डेट ऑफ फायर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 महीने का सेल। आग लगा कब मेरे को बता, 15 जून 2011, तो इससे पहले वाले 12 महीने का सेल। मेरे को क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया
टर्नओवर फॉर वन ईयर कब से, 16 जून 2000 से 2010 से लेके 15 जून 2011 यानी इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ फायर, ये मेरा सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ये सेल्स बताओ कितना है, 5,60,000, 5,60,000 एनुअल टर्नओवर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25% सेल्स बढ़ेगा, तो एक्चुअल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना हो गया, 5,60,000 प्लस 25% 7 लाख रुपया, ये 7 लाख मैंने यहां बैठा दिया। सर अनइंश्योर्ड चार्जेस कैसे निकला, मेरे को क्वेश्चन ने बोला टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000, टोटल चार्जेस जिसमें से इंश्योर्ड है 70,000, अगर टोटल 1,20,000 है 70 इंश्योर्ड है तो अनइंश्योर्ड कितना 50,000, वो 50,000 मैंने यहां लिख दिया। पहले तुम वेरिएबल कैलकुलेट करना सीखो, लॉजिक उसके साथ साथ मूव करेगा, कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो लॉजिक भी मूव नहीं करेगा। अब क्वेश्चन जो हर्ष पूछ रहा है, सर आपने यहां बोला ट्रेंड उतने पे एडजस्ट करो जितना लास्ट ईयर का है, बट सर आपने तो पूरे 5,60,000 पे ट्रेंड एडजस्ट कर दिया। मेरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे लिए इस पीरियड की सेल्स को और इस पीरियड की सेल्स को बाइफरकेट इस क्वेश्चन में करना पॉसिबल नहीं है। अगर क्वेश्चन मेरे को ऐसा डेटा दे दे जहां पर मैं 15 जून से लेकर 31 दिसंबर की सेल्स कैलकुलेट कर सकूं तो फिर मैं इसके ऊपर ट्रेंड ऐड कर दूंगा और ये पीरियड का जो सेल्स है वो मैं अलग से ऐड कर दूंगा, उस पर मैं ट्रेंड एडजस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी करंट ईयर। ट्रेंड एडजस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि करंट ईयर और लास्ट ईयर की सेल्स में फर्क आएगा, जो लास्ट ईयर का सेल्स है वो एकदम करंट ईयर का हो जाए जरूरी नहीं है, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। ट्रेंड एडजस्ट हम लोग करते हैं लास्ट ईयर की सेल्स को करंट ईयर की इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो करंट ईयर की सेल्स में ट्रेंड एडजस्ट नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है मैं यूनिफॉर्म अज्यूम नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म अज्यूम करते ही तो सब खत्म हो गया, फिर आपने वही 3 पीरियड 6 महीना स्टैंडर्ड टर्नओवर क्यों लिया, आप यूनिफॉर्म अज्यूम कर लेते, यूनिफॉर्म में अज्यूम नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे को पूरी एनुअल टर्नओवर के ऊपर ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर बाइफरकेशन पॉसिबल होता तो मैं लास्ट ईयर पे खाली इस पीरियड की सेल्स पे खाली ट्रेंड एडजस्ट करता, मेरे को इस पीरियड की सेल्स पर ट्रेंड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आएगा क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन टफ माने जाते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट में 2 टाइप के क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, नंबर 1 जहां पर ट्रेंड नहीं देता है, नंबर 2 जहां पर तुमको ये पीरियड से घुमाएगा सारा चीज और एक एक पीरियड का तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले मेरे बच्चे सिर्फ इतना कैलकुलेट करना सीख, एक बार इधर उधर की बात छोड़ दे, सिर्फ इतना कैलकुलेट करना सीख कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन सीख जाएगा ना, क्वेश्चन सीखते सीखते लॉजिक अंदर जाना शुरू हो जाएगा, एक बार कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। क्लियर है क्या, इट्स एन एस्टीमेशन एंड इट्स अ प्योर एस्टीमेशन। जहां एस्टीमेशन होगा वहां जजमेंट और टेक्निकल नॉलेज लगेगा और वहां बच्चों को दिक्कत होनी ही है, बट वो दिक्कत कब तक रहती है, जब तक मैं समझाता हूं। जैसे ही क्वेश्चन शुरू होता है दिक्कत कब खत्म होता है पता नहीं, और बच्चा बोलता है सर सब मेरे से सारा बन रहा है। बच्चे एडिशनल एक्सपेंडिचर में ये लिख लिए क्या, हाँ या ना बोलो, एडिशनल एक्सपेंडिचर में ये लिख लिए क्या, हाँ या ना बोलो। कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास कल लूंगा, कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं क्योंकि एक क्लास हमारी खराब हो गई थी वीक में, कल मैं 10:45 से क्लास लूंगा, ठीक है 10:45 से। कल की क्लास में सिर्फ स्टेप बाय स्टेप तुम प्रोसीजर पढ़ के आना और कल हम लोग फ्रेश सम लेके पूरा स्टार्ट करेंगे, तुम देखना तुमको क्लियर हुआ कि नहीं। मैं कल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके एक एक चीज तुमको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा वापस, जब रिवाइज कर लोगे वापस देख लेना तुमको लर्न हो जाएगा। डन, यहां तक लिख लिया क्या सब लोग, फटाफट लिखो। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ 4 स्टेप लिखाऊंगा, सम्स कल से होगा। लिख लिया, ये लिख लिया क्या सारा बच्चा लोग, ये वाला ये एडजस्टेड है, हां एडजस्टेड जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना है अगर पढ़ाई में, 2 लेवल, पहला लेवल टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, दूसरा लेवल उससे सम्स तुम बनाने लग जाओ।
कभी कभी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके सम्स बनाने पड़ती है, कभी कभी सम्स बनाते बनाते अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ये टॉपिक ऐसा है जहां तुम जितना सम्स बनाओगे, हर सम में नया नया चीज आएगा, अंडरस्टैंडिंग और खुलते जाएगा। ये सम वैसा है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मैंने नीचे लिखा है, मैं हट जाता हूं, एक काम करता हूं ना, आराम से लिख लीजिए। ये रहा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, डायग्राम मत बनाना आज, कल बनवाऊंगा डायग्राम। कल क्वेश्चन स्टार्ट ही डायग्राम से करूंगा, एक एक वर्ड समझते समझते क्वेश्चन करेंगे, सब रिपीट होगा, लर्न हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन से अपने आप सारा लर्न हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद एक नोट लिखेंगे आप, नोट, नोट, व्हाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, व्हाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ट्रेंड विल बी एडजस्टेड, ट्रेंड विल बी एडजस्टेड, ट्रेंड विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन दैट पार्ट ऑफ एनुअल टर्नओवर, दैट पार्ट ऑफ एनुअल टर्नओवर विच बिलोंग्स टू, विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, ट्रेंड शैल नॉट बी एडजस्टेड टू, शैल नॉट बी एडजस्टेड टू या एडजस्टेड ऑन करेंट ईयर सेल्स, करेंट ईयर पोर्शन, ऑन करेंट ईयर पोर्शन। हाउएवर, however, if it is not possible to bifurcate, not possible to bifurcate annual turnover, annual turnover
नॉट पॉसिबल टू बाइफर्केट एनुअल टर्नओवर देन ट्रेंड शैल बी एडजस्टेड ऑन फुल अमाउंट. ट्रेंड शैल बी एडजस्टेड ऑन फुल अमाउंट. एनुअल टर्नओवर हो गया आग लगने से पहले 12 महीने का सेल. अब इस 12 महीने के सेल में कुछ करेंट ईयर का होगा, कुछ लास्ट ईयर का होगा. ट्रेंड हमेशा लास्ट ईयर की सेल्स पर एडजस्ट किया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड टर्नओवर लास्ट ईयर का था. बट अगर ये बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, कितना लास्ट ईयर का कितना करेंट ईयर का, तो फिर तुमको पूरे पे एडजस्ट करना पड़ेगा. नो ऑप्शन. आप प्लीज यूनिफॉर्म मान के वो नहीं करेंगे, इंटू 6/12 इंटू 9/12 वो नहीं करेंगे आप, वो मना है. हां सिद्धार्थ मैं टाइम दूंगा, वेट करो, ये लिख लो पहले. कल क्लास 10:45 पर है खुशी, और उसका बैकअप भी आप लोगों को मिल जाएगा. ये सिर्फ मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं थर्सडे कैंसिल करना पड़ा क्लास ड्यू टू इंटरनेट इश्यू. लिख लिया क्या इतना? सबसे पेचीदा पोर्शन है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करने का. इतना अगर निकल गया ना, पूरा सम हमेशा राइट बनेगा, कभी गलत नहीं बनेगा. सिद्धार्थ ये लो पॉइंट नंबर बी, स्टेप टू का पॉइंट टू लिख लो. फाइव मिनट्स मोर, फिर छुट्टी दे रहा हूं आपको. मेरा स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया, स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री. अब बता मेरे बच्चे स्टेप थ्री क्या था? सर स्टेप थ्री था लॉस कंप्यूट करना. लॉस कंप्यूट करना. लॉस हमने ऑलरेडी दो पार्ट में निकाल लिया. सबसे पहले लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स. लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स ये कहां निकाला? स्टेप वन में निकाला. मेरे को कोई अमाउंट बताएगा इस क्वेश्चन की? कोई बच्चा अमाउंट बताएगा इस क्वेश्चन में जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स कितना था? 57,500. 57,500. शुभांशु कल करवा दूंगा मैं, कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. आज इतना अंदर ले जाओ, कल करवा दूंगा. लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन में करवा दूंगा, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सारे करवाऊंगा. फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर जो एडमिसिबल है, कहां निकाला? स्टेप टू में, लोअर ऑफ द थ्री. बताओ कितना आया? 9,333. ठीक है, तो टोटल नुकसान कितना हुआ? टोटल नुकसान कितना हुआ मेरे को टोटल नुकसान बताओ? सर 66,833. 66,833 लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. अगर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में कुछ सेविंग हुआ है, मतलब आग लगने के बाद कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बचे हैं जो आपको देने नहीं पड़े, जिसका सेविंग हो गया, वो आपका सैलवेज है. सैलवेज आपको पूरे लॉस का क्लेम नहीं मिलेगा. इस लॉस में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके सेव हो गए हैं, उन खर्चों को माइनस करो और बचे हुए लॉस का क्लेम मिलेगा. हमारे क्वेश्चन ने हमें बोला सेविंग इन इंश्योर्ड चार्जेस इज रुपीज 2,000. 2,000 रुपए का सेविंग हुआ. तो अगर मैं यहां से 2,000 की सेविंग माइनस कर लूं तो मेरा नेट लॉस हुआ 64,833. मेरा नेट लॉस हुआ 64,833. कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर सेविंग इन इंश्योर्ड चार्जेस का कुछ नहीं करोगे? मैंने बोला करूंगा, वो मेरे लिए सैलवेज वैल्यू है. मैंने इंश्योर्ड चार्जेस को कवर करवाया था, मैंने सोचा ये नुकसान हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगूंगा, बट 2,000 का ऐसा खर्चा है जिसका मेरे को सेविंग हो गया, जो मेरे को करना ही नहीं पड़ा. अब जो खर्चा लगा नहीं उसका कैसे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? तो उसको लॉस से माइनस करो. लॉस से मैंने माइनस कर दिया एवरेज वैल्यू, तो मेरे को मिल गया नेट लॉस 64,833. 64,833.
और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ये जैसे निकाल रहा हूं हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकलेगा। लास्ट स्टेप, बता लास्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फोर। इस स्टेप में कुछ सीखने का नहीं, कोई दिमाग लगाने का नहीं, सिर्फ सैलवेज नया बताया, कुछ स्टैंडिंग चार्जेस जो मैंने जीपी में कवर किए थे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, उसमें से कुछ चार्जेस बच गए हैं, तो जो चार्जेस बच गए हैं उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगा, वो सैलवेज वैल्यू माइनस कर लो, नेट लॉस का क्लेम मिलेगा। और लास्ट स्टेप क्लेम। अब क्लेम में मेरे बच्चे ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं क्लेम निकालते समय अंडर इंश्योरेंस हो गया तो एवरेज क्लॉज लग जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहां पर मैं कैसे चेक करूं कि अंडर इंश्योरेंस है या नहीं है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इफ पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, अगर मैंने जो पॉलिसी ली है वो जीपी ऑन ऑटो को कवर कर रहा है, जीपी ऑन ऑटो क्या है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इस साल का क्या टर्नओवर हो सकता था, उस पर मैं कितना जीपी कमा पाता, ये वो अमाउंट है जो मेरे को इंश्योर करवाना चाहिए था। अगर मैंने इससे ज्यादा इंश्योरेंस कराई कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने इससे कम इंश्योरेंस कराई एवरेज क्लॉज लग जाएगा। अगर पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन जीपी ऑन ऑटो तो मेरा क्लेम होगा, क्लेम होगा ये फुल इंश्योरेंस, फुल इंश्योर्ड, मेरा क्लेम होगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू, बोल विच एवर इज लोअर, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। मेरा जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आया, इस क्वेश्चन की बात करूं ना, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आया 1,75,000, मेरे को 1,75,000 एक्सपेक्टेड था इस साल का, इस साल का क्या होगा, इस साल का सेल्स जीपी होगा, प्रॉफिट होगा, क्या मैंने 1,75,000 कवर कराया, नहीं मैंने कवर कराया 1,40,000 हमारी पॉलिसी वैल्यू। सर 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 ये जीपी ऑन ऑटो पूरे साल का है, बट सर आपका इंडेमनिटी पीरियड तो 7 मंथ्स का है ना, जो आपको पॉलिसी वैल्यू का बात होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो पूरे साल में होगा, इंडेमनिटी पीरियड आपके प्रीमियम को डिटरमाइन करता है, छोटा इंडेमनिटी पीरियड छोटा प्रॉफिट, बड़ा इंडेमनिटी पीरियड बड़ा प्रीमियम, छोटा इंडेमनिटी पीरियड छोटा प्रीमियम, बड़ा इंडेमनिटी पीरियड बड़ा प्रीमियम। तो 1,40,000 जो वैल्यू दिया है ये आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, लॉस हो सकता है उसका इंश्योर है। तो अगर आपका पॉलिसी वैल्यू जीपी ऑन ऑटो, पॉलिसी वैल्यू जीपी ऑन ऑटो से बड़ा है, लॉस और पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर क्लेम मिल जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं लॉस का क्लेम मिल जाएगा, क्यों, जो जीपी ऑन ऑटो पूरे साल का जीपी है, अगर उससे ज्यादा पॉलिसी वैल्यू है तो जितना लॉस है उसका क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। बट इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन ऑटो, अगर कम पॉलिसी लिया तो मेरे को पता है क्या हो जाएगा, अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस होते ही पता है क्या हो जाएगा, एवरेज क्लॉज बिकम्स एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज बिकम्स एप्लीकेबल। और एवरेज क्लॉज अप्लाई होने से बता क्लेम कैसे निकलता है, क्लेम इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। यहां हमारा एसेट क्या है, जीपी ऑन ऑटो, यहां हमारा एसेट है जीपी ऑन ऑटो। जो मैंने ऊपर जीपी ऑन ऑटो निकलवाया ना वो एक्चुअली क्या था पता है, इस साल कितना टर्नओवर होना है और उस टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, अगर उससे कम पॉलिसी लिया है अंडर इंश्योरेंस, उससे उतना या उससे ज्यादा पॉलिसी लिया है फुल इंश्योरेंस। अगर अंडर इंश्योरेंस है एवरेज क्लॉज लगेगा और लॉस प्रोपोर्शनेट मिलेगा, पूरे लॉस का क्लेम नहीं मिलेगा, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में पता है लॉस हुआ है 64833, हमने पॉलिसी वैल्यू ले रखा है 140 का, जबकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता था इस साल का 175 का प्रॉफिट हो सकता था, पॉलिसी सिर्फ 140 का करवाया, तो तुमको क्लेम प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा, पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। तुमको पता है कितना क्लेम मिलेगा, तुमको क्लेम मिलेगा 51,866, तुमको क्लेम मिलेगा 51,866। जो हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में किया सब काम यहां किया, लॉस निकाला, क्लेम निकाला, सैलवेज वैल्यू माइनस किया, अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज लगाया, बट यहां का पैरामीटर्स बदल गया,
यहां पे सैलवेज वैल्यू हो गया सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहां पे अंडर इंश्योरेंस है या नहीं उसको चेक करना पड़ेगा, किससे किससे चेक करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा जीपी ऑन ऑटो से। अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू मेरे इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट को कवर कर रहा है तो मेरा फुल इंश्योरेंस है। अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू इस साल के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम है, मतलब मैंने अंडर इंश्योरेंस करवा के रखा है, अंडर इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा और उतना कम आपको क्लेम दिया जाएगा। तो जो जीपी ऑन ऑटो हमने निकालना सीखा उसका रेलिवेंस यहां पे आता है, इसीलिए जीपी ऑन ऑटो कैलकुलेट करना पड़ता है। अब पता है इसका तरीका क्या है, इस चीज को अगर एकदम दिल में बसाना है, आज जाके चारों स्टेप अच्छे से रीडिंग करना है और जो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कराया है उसको वापस फेयर में रीडू कर लेना, एक एक पैरामीटर को समझने के लिए। कल की क्लास में जब आओगे पहला क्वेश्चन करते ही सारा चीज दिमाग के अंदर चला जाएगा, एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो तुम्हारे से सॉल्व नहीं होगा। टेक्निकल है मैंने स्टार्ट करते ही बोला, बट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैक्सिमम बच्चे जितने तेरे फ्रेंड्स है सबसे पूछना, सबने बोला होगा भाई चार स्टेप है और है क्या, चार स्टेप लर्न कर ले आंसर आ जाएगा। बट अंदर का समझना थोड़ा जरूरी है, जब आप कोई टफ क्वेश्चन में होंगे तब वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर है क्या भैया? पता नहीं भैया, अभी तक तो देख के लग रहा है हाँ चीजें थोड़ी सी लिंक कर पा रहे हैं, बट क्लियर है कि नहीं भैया? ये तो सम्स करने ही से ही समझ में आएगा, तो नेक्स्ट क्लास जज करेंगे, अभी जज करने का कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट क्लास जज करेंगे हम लोग। एक बार इतना पार्ट लिख लीजिए ना आप लोग, मैं हट जाता हूं। वापस ओमकार, जीपी ऑन ऑटो लास्ट ईयर का नहीं है मेरे बच्चे। ऑटो मतलब एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, लास्ट ईयर के टर्नओवर को ट्रेंड से एडजस्ट कर दिया। जब ट्रेंड से एडजस्ट कर दिया तो वो करंट ईयर का हो गया, अब वो लास्ट ईयर का नहीं है। ट्रेंड क्या था, व्हाट इज द सेल्स फॉर द करंट ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जैसे ही मैंने ट्रेंड एडजस्ट कर दिया अब तो वो करंट ईयर का सेल्स हो गया, तो उसके हिसाब से मैंने कंसिडर किया एवरेज क्लॉज। जीपी मार्जिन लास्ट ईयर का है क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में कुछ अलग से बताया नहीं, अगर अलग से बताता तो मैं करेंट ईयर का अलग से निकाल लेता, बट कुछ नहीं बताया तो मैंने लास्ट ईयर के जीपी मार्जिन को ही करेंट ईयर का जीपी मार्जिन अज्यूम किया। रौनक एक बहुत अच्छा बात बोल रहा है, सर आपकी छोटी सी क्लास में आज इतना ही रहने दीजिए सर, कल आएंगे सर मूड फ्रेश करके वापस एक बार पढ़ के, तब देखेंगे हम लोगों को क्वेश्चन कैसे हिलाता है। कल की क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। बट प्लीज आज अच्छे से रीड करके आना, आज जो मैंने लिखा है उसको अच्छे से रीड करके और दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेम करके आना। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और सम्स बनाएंगे। जो दो होमवर्क थे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के, मैं वो डिस्कस कर दूंगा, टेंशन ना ले उसके लिए। कल की क्लास में देयर विल बी नो लिमिट ऑफ टाइम, हम लोग बहुत मस्ती से कल सिर्फ सम्स बनाएंगे, कल कुछ नया नहीं पढ़ेंगे सिर्फ सम्स बनाएंगे, तो तुमको जितना देर पढ़ना है मैं उतना पढ़ाऊंगा। डन है बात? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।